तो हम इवेंट्स ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बीच में मुहूर्त और रेमेडीज हो गई है। तो नॉर्मली ये होता है कि सारे इवेंट्स कर लेते हैं तो हमारा प्रॉपर्टी व्हीकल रह गया, और फिर एक ट्रांजिट ट्रांजिट आज कर रहे हैं, उसके बाद टाइम बच जाएगा मुझको लगता है, तो थोड़ा प्रॉपर्टी व्हीकल भी कर लेंगे। और फिर हमारे पास सिर्फ प्रश्न ज्योतिष बच्चा है करने को, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रश्न ज्योतिष। तो फिर शुरू करते हैं सर जी, ट्रांजिट क्वेश्चन। सर दो चार चीजें वैसे पूछनी थी मुझे, मतलब आप कवर कर लेना जो मर्जी एज पर योर कन्वीनियंस। नहीं, मैं ये कह आपका रहा था स्वागत जैसे स्वागत। रिलेशनशिप, जैसे अभी आपने हमने प्रोफेशन किया था पीछे बैक, ठीक है जी। अब प्रोफेशन के बाद मेरे को ये देखना है, जैसे अब हमने प्रोफेशन में इट्स मोर रिलेटेड टू सर्विस, तो बिजनेस रिलेटेड इसको कैसे हम देख सकते हैं। जैसे कई, जैसे कोई कहता है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ फॉर एग्जाम्पल, या जैसे कोई अगर की स्टॉक में जैसे जाना है, जैसे उसके स्पेकुलेटिव गेन्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है, बिल्डर के लिए क्या होता है, स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स पर्सन का भी मेरे पास एक आया था बंदा, तो उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ मेरे को देखना है, थोड़ा सा जानना है। और जैसे एक दो चार चीज़ें और हैं, जैसे कि अब कि कोई किसी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तो गवर्नमेंट जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ पर गवर्नमेंट जॉब कब सर लगेगी। ऐसा ये ट्रांजिट कर लेते हैं जी, अच्छा आप सारे सवाल बोलते जाना, मैं एक का जवाब देते चले जाऊँ, हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि जो मर्जी आप अभी ले लो या वो बात नेक्स्ट। खत्म हो हाँ गई ना यार, जी गल तो खत्म नहीं होगी, खत्म हो गई ना। ठीक है जी, अब ये कर लेते हैं, फ्रेश बैठे हैं ना, तो ये थोड़ा सा फ्रेश ठीक है समझने वाली जी, जरूरत है। ठीक है जी, फिर आप जो प्रश्न करते जाओगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक ठीक है। है। चलो अब आते हैं सर जी ट्रांजिट पे। ट्रांजिट का पहले तो हम रीजन बताते हैं भी, हमें सीखना क्यों है, उसका मतलब यूज क्या। तो दशा भुक्ति अंतर जो होती है वो उसके अंदर मतलब 6 महीने तक की या कई महीने तक की हो सकती है, कुछ छोटी भी होती है दिनों की। तो कोई महीनों की होगी तो हमें अगर ज्यादा स्पेसिफिक आंसर चाहिए, खासकर जो ऐसे जॉब किसी की चली गई तो अब उसके पास जो है अपने प्रॉपर्टी के मंथली उसको किस्त देनी है 90,000 रुपये, 20,000 रुपये कार की किस्त देनी है। अब उसकी जॉब चली जाएगी, उसके तो दिल पे वोल पड़ रहे होते हैं, आए मेरा क्या हो, तो बड़ा स्पेसिफिक चाहिए होता है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके लिए हमें गोचर की जरूरत है, पिन पॉइंट करने के लिए। कुछ जो है मैं ट्रांजिट काम नहीं कर रहा, कुछ में जैसे हो गया चाइल्ड बर्थ, तो एक तो बच्चा कब पैदा होगा डेट तो कोई बता नहीं सकता, कंसीव कब हो गए वो एक नेचुरल एक सिस्टम है, उसी के बीच में ही कंसीव हो सकता है, उसमें गोचर क्या करेगा, महीने में कुछ दिन है। इस तरह से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है किसी को, जैसे भगवान ना करे कैंसर हो गया, जब उसको दिक्कत आएगी तब वो पहुंचेगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर एकदम से तो बोल नहीं देगा कैंसर है, वो बड़े सारे चेकअप करवाएगा। तो जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है समझो लास्ट स्टेज है कैंसर की, इसका तो कैंसर तो पिछले 2 साल से या 6 साल से कोई नहीं जानता, तो वहां भी ट्रांजिट काम नहीं कर रहा। तो ट्रांजिट हमारा काम कर रहा है जैसे लिटिगेशन पे, मैरिज पे, प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज पे, इन चीजों पे करेगा। एजुकेशन पे क्या करेगा, मतलब जिस दिन पेपर आए उस दिन पेपर आए ना, तो ये इस टाइप से तो हमें समझ में चलना। तो ट्रांजिट जो हम कोशिश करेंगे कि हम डेज तक में आ जाए, डे में आना बड़ा मुश्किल है, कई में तो आवर्स में भी आ जाते हैं बट वो रेयर होता है। तो सिस्टम वही है कि पहले दशा भुक्ति अंतर तो जो हम अभी तक करते आए हैं कि दशा भुक्ति अंतर तो बताना चाहिए पॉजिटिव है तभी इवेंट होगा, पहली चीज होगी। इसके बाद हो गया ट्रांजिट कैसे यूज होगा, कि जैसे किसी की भी जन्मपत्री में जैसे मैरिज की बात कर ले, 4, 5, 6 up to 7, 8 प्लैनेट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। दशा भुक्ति अंतर में तो 3 ही होंगे, तो उन 3 प्लैनेट्स में से कोई तीनों या कोई जो उनमें से नहीं भी है, जो दशा भुक्ति अंतर में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे उनमें से कोई 3 प्लैनेट, जैसे टोटल 6-7 हो गए, उनमें से तो 3 प्लैनेट या तो इकट्ठे हो जाए इन कंजॉइन साइन, पहला मैंने लिखा 1, उसी को पहले कंसेंट्रेट करते हैं, फिर मैं बहुत ज्यादा करूंगा तो फिर कंफ्यूजन होगी, ये करके उसको मैं समझाता चला जाऊंगा। तो 3 कंजॉइन हो गए तो बस काम हो गया।
तो दशा भूख के अंदर 6 महीने की होती है, कंजाइन वाले वाले कौन से, हमें फास्ट मूविंग भी चाहिए, सन मरकरी वीनस मार्स, ये 4 अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे को महीना आया। सन वीनस मरकरी का जो ट्रांजिट है वो एवरेजली, सन का तो एग्जैक्टली एग्री, मरकरी वीनस का अप्रोक्सीमेटली जो है 1 month का इन साइन में होता है, तो मुझे फिर हम आगे जो है पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब एक हॉरोस्कोप लगा लेते हैं, फिर जैसे ये हो गया तो अब मैरिज का इसमें देख लेते हैं, तो ये देख ले यार वेदांत मैरिज का हो गया, ये कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव, सन पॉजिटिव हाँ या ना करते सर, वीनस तो आई पॉजिटिव, आओ आओ लेट हो गए, केतु जो है वो 10-11 मिक्स है, 50-50 जुपिटर 10-11 मिक्स है ना, 50-50 वीनस और सन पॉजिटिव है, सन बहुत तगड़ा है, वीनस नेचुरल सिग्निफिकेशन के लिए तगड़ा है, और दिव्या दीदी राहु जो है डिनायल है मैरिज के लिए, 6-6 मरकरी डिनायल है, शनि में 6-10 है ये भी डिनायल है, मार्स कुछ बोलता नहीं ऊपर बनना है तो डिनायल ही है, मून कुछ 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 आना वाला मामला है, 7-11 भी है 1-10 भी है, आना वाला मामला है, हाँ कम है ना ज्यादा है, डिनाई तो नहीं कर सकते। आज हम पढ़ रहे हैं दिव्या दीदी ट्रांजिट, तो जिसमें हम ये कोशिश करेंगे, हम जैसे हम कहते हैं दशा भुक्ति अंतर, तो अंतरे कभी महीनों के चले जाते हैं, तो हम कोशिश डे निकालने करेंगे, कोशिश करेंगे सफल नहीं होंगे, डेज तक में सफल हो जाएंगे कि अगर हम डेज निकालें किसी भी इवेंट के लिए, ठीक है। तो पहले हम वही है हमारा जो सिस्टम है उसी पे रहेंगे हम, कि पहले हम देखेंगे कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव है, तुम्हारे 4 प्लैनेट पॉजिटिव होंगे, केतु वीनस सन और जुपिटर, मून भी पॉजिटिव है, मून को हम ट्रांजिट में यूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी देख लेंगे, ठीक है समझा दूंगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर में यहाँ पर एक डिस्प्ले है, तो वहां पर से हमको ट्रांजिट पकड़ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन अभी ये हम देखते हैं एक स्क्रीन इज कॉस्ट का क्या मतलब होगा, अब ये देखते हैं कि 64 का बर्थ है इसका, तो हम 25-26 से देखना शुरू करेंगे, तो 64 प्लस 26 आ गया 90, 25 मरकरी में सेचन, मरकरी सेचन तो शादी बता नहीं रहा, केतु बता रहा है, डिनाई नहीं कर रहा, तो केतु वीनस विल बी गुड टाइम, तो केतु वीनस वीनस, केतु वीनस सन, केतु वीनस जुपिटर, तो पहले ये देखते हैं 11 अगस्त से 11 नवंबर के इसके बीच में कोई ट्रांजिट बन रहा नहीं बन रहा, तो ये 4 जो प्लैनेट निकले हैं दिव्या, ये एक अगर इकट्ठे हो जाते हैं, इनमें से कोई 3 इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा ट्रांजिट बन जाएगा, तो 11 अगस्त के करीब से लेके और 11 नवंबर 3 महीने हमारे पास दशा भुक्ति अंतर में है, तो हम इसमें प्रिसाइज करना चाहते हैं कि कौन सा वाला दिन होगा 3 महीने, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर है, तो इधर जो एक सेट डेट यहाँ ऑप्शन है, तो सेट डेट कौन सी वाली होगी, ये जो नीचे जो डेट लिखी है ये आप सेट कर सकते हो, मैनुअली राइट हैंड कॉर्नर में जाओगे, सेट डेट लिखा है, इसको क्लिक किया तो जो डेट यहाँ पर आप डालोगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, ऊपर लिखी हुई है जो जो बंदा पैदा हुआ जाएगा, ठीक है, यहाँ ईयरली मंथली वीकली जो सेट डेट के ऊपर लिखे हुए हैं, तो जैसे मैं अगर डेली क्लिक कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डेली चलेगा, बैकवर्ड बोलोगे तो बैकवर्ड चलेगा, फॉरवर्ड बोलोगे तो जो जैसा क्लिक करोगे वैसे चलेगा,
ऑटोमेटिक करोगे तो मैनुअली करोगे तो मैनुअली भी चला सकते हो, मैनुअली शुरू कर दोगे तो फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अब हम आगे, ये 29 जुलाई 2090 में, अब यहाँ दशाभुक्ति अंतरा केतु, केतु मरकरी, हमें चाहिए केतु वीनस, तो इसको मैंने कर दिया केतु वीनस। तो हमारे जो प्लैनेट पॉजिटिव थे वो हमने नोट नहीं किए, लेकिन जिसने नोट किए तो उनको याद होगा वीनस सन केतु जुपिटर। तो ये चारों चांस की बात है इकट्ठे हैं, और ये जो जुपिटर केतु तो यही रहेंगे 3 महीने यही रहेंगे, लेकिन वीनस सन जो है निकल जाएंगे आगे, तो सन तो 3-4 दिन में निकल जाएगा, 12 अगस्त आ गया तो ये तो निकल गया, ठीक है ना। लेकिन वीनस जुपिटर केतु जो है ये 9 अगस्त से यहीं पर है, वीनस 9 अगस्त को यहाँ आ गया और 11-12 अगस्त को ये केतु वीनस वीनस आ गया। अब हमें डे निकालना है, क्योंकि ये 11 अगस्त से लेके मतलब 15-20-25 दिन यही रहेगा वीनस। तो जब ये एग्जैक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जैसे वीनस जुपिटर एग्जैक्टली डिग्री कनेक्ट हो जाएगी, या वीनस केतु दोनों में से सन तो निकल जाएगा, तो इसका मतलब एक तो 3 प्लैनेट कंजंक्ट हो जाए और 2 प्लैनेट एग्जैक्ट डिग्री पे आ जाए, तो हमारा इवेंट बन गया। तो वीनस की डिग्री देख लेते हैं, वीनस की डिग्री है 3 डिग्री, जुपिटर की डिग्री है 4 डिग्री, नीचे डेट है 11 अगस्त। तो अब आ जाते हैं हम 12 अगस्त पे, जुपिटर 5 वीनस 4, तो ये विदिन 1 डिग्री आ गया 12 अगस्त। फिर एक दिन और हमें निकले 5-5 14-5-6, तो मतलब ये हमारे को 12-13 और 14 ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। तो हम इसको बोलेंगे कि भैया 12 से 14, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी हमको और मिलती है, ये वीनस और केतु जब इकट्ठे हो जाते हैं, वीनस हो गया 11, वीनस हो गया 12 और केतु हो गया 13, ये नीचे डेट होगी 19, तो 19-20-21 ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब 12-13-14 और 19-20-21, तो हम उसको ये कहते हैं मिडल ऑफ द मंथ में बात बन जाएगी, इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 3 मंथ्स, तो हम उसको मिडल ऑफ द मंथ कहेंगे। भैया मिडल ऑफ द मंथ 15 तारीख आप नोट कर लो, 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे, बस मतलब कहने का तरीका। हम अब हमें ये नहीं है, हमारे पता चलता है यार कि वो वीनस जुपिटर से कंजंक्ट करेगा तब होगा या वीनस केतु से कंजंक्ट, ये हमें नहीं समझ में आया आज तक। तो ये हो गया। तो पहले हमने क्या किया, दशाभुक्ति अंदर पॉजिटिव है। अब जितने प्लैनेट पॉजिटिव हैं उनमें से कोई 3 एनी 3 प्लैनेट विच सिग्निफाई इवेंट इकट्ठे हो जाए, और स्टेप नंबर 3 है 2 ट्रांजिट प्लैनेट्स ट्रांजिट विद इन 1 डिग्री, 2 जो गोचर कर रहे थे वो इकट्ठे हो गए, तो ये पॉइंट नंबर 1 है। अब शादी तो उसकी भगवान बलि करे एक ही रहे, हम किसी को और कुछ नहीं कहते, और इवेंट भी हो सकते हैं। तो और इवेंट है जैसे ट्रैवल है, लिटिगेशन है, तो सबके अलग अलग होंगे, चाइल्ड बर्थ नहीं बता सकते, ठीक है ना, एग्जैक्ट डेट निकालने का मतलब हमें ये बता देंगे ये 2-3 महीने बड़े अच्छे हैं जी, आप इसमें ट्राई करो बस, क्योंकि आपको पता कि वो महीने के अंदर कुछ डेज ही होते हैं, तो उसमें हमें नहीं घुसना, हमें उन्हीं चीजों में घुसना है जो जो ट्रांजिट से रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें 2 इवेंट बड़े क्लियर आपको नजर आएंगे, एक नजर आएगा ट्रेवल, ये आप देखो 9-12, 9-12, 3-9-12, 9-12, 3-9-12, 3-9-12, उसका नजर आएगा आपको 8-12, 6-12, 6-12, 6-12, 8-12। तो लिटिगेशन के लिए हमको दशा पहले पकड़नी है, तो दशा होगी वीनस की। तो उस टाइम पे शादी होगी कि शादी फिक्स होगी? शादी फिक्स होगी 12 अगस्त के आसपास या 20 अगस्त के आसपास शादी फिक्स होगी, फिर होती रही। सर आपकी उसी टाइम पे? नहीं सर, मेरी 91 में भी थी। तो ये आपका ही गोचर था ना सर? हाँ भाई, ये इस दिन बात पक्की हुई थी। हाँ बात पक्की हुई उसी टाइम पे, चीनी खिलाई थी, तो मतलब रोका इसी टाइम पे हुआ था, चीनी खिलाई थी 12 अगस्त, वो भुगत रहा हूँ। चल आगे, अब पुरानी बातों में मत जाओ। अब आता है कि हमें ना दशा भुक्ति अंदर कोई मेजर, अगर लिटिगेशन है मेजर की बात करेंगे, छोटा मोटा तो होता रहता है, रेड लाइट पार कर की ये हुआ ना, हमें मेजर के लिए हमें दशा भी नेगेटिव चाहिए। तो दशा जो है केतु की नेगेटिव नहीं है, वीनस की है,
तो भुक्ति भी हमें तगड़ी चाहिए, वो है मार्स या राहु शनि मरकरी, ये भुक्ति हमें। तो वीनस मार्स, तो कौन कौन से नेगेटिव है प्लैनेट, वीनस मार्स राहु शनि मरकरी। तो अब इसके अंदर जो है जो जो मैरिज के अंदर प्लैनेट पॉजिटिव है वो लिटिगेशन में अलग हो ऐसा जरूरी नहीं, लिटिगेशन के अलग होंगे, ट्रैवल वाले अलग होंगे, मैरिज वाले अलग होंगे, सबके अलग अलग होंगे। तो हम अब जो है हम दूसरे प्लैनेट्स देखेंगे, मैरिज वाले नहीं जो लिटिगेशन को बता रहे हैं। हालांकि वीनस कॉमन है, मैरिज भी बता रहा है और लिटिगेशन भी बताता है। मार्स राहु सहचन मरकरी सिर्फ लिटिगेशन और ट्रैवल दोनों बताते हैं। तो वीनस मार्स राहु शनि मरकरी ये जो है हमारे होंगे। तो वीनस मार्स राहु जो है ये लिटिगेशन होने का है, क्योंकि तो एक राकेश में से एक चाहिए लिटिगेशन में, आप याद करो राकेश में से एक चाहिए। केतु तो इसका पार्टिसिपेट करेगा नहीं, राहु और शनि पार्टिसिपेट करेंगे, वीनस मार्स। तो ये पीरियड हो गया अप्रैल से जून 2003। तो हम 2003 में चले जाएंगे, आप यहां से नीचे सेट डेट मिलाया लगाया 2003, तो इसको मैं मंथली कर लूंगा, तो ये मंथली आगे आ जाएगा। ठीक, अभी हो गया वीनस मार्स राहु। ठीक है, अब इसमें जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से प्लैनेट पहले हमें देख लेने हैं नेगेटिव है, शनि राहु मरकरी वीनस, शनि राहु मरकरी वीनस मार्स, शनि राहु मरकरी वीनस मार्स। अब ये तीनों 2 महीने में कंजॉइन तो नहीं हो सकते, तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते कभी। ये पैदा हुआ था तब का हॉरोस्कोप है, ये अभी ट्रांजिट का हॉरोस्कोप है। अब इसमें रूल नंबर 5 जो मैंने लिखा हुआ है वो लगेगा। ठीक है, वो मैंने लिखा है यहां पर ट्रांजिट नेटल पोजिशन, इसका मतलब समझाया था, समझाऊंगा तो समझ में आएगा ना। नेटल पोजिशन का मतलब यह है कि जैसे तो जन्म पत्र, सुमनो या सहचन, सहचन में 6/12 और राहु, राहु की ये शक्ल होती है, राहु भी 6/12 मतलब राहु शनि पे जगह पे आ गया। तो वो ये हो गया ट्रांजिट नेटल पोजिशन की राहु शनि को एक्टिवेट करेगा, भैया तुम भी लिटिगेशन वाले हो, हम भी लिटिगेशन वाले हैं, चलो खड़े हो जाओ लिटिगेशन कराते हो। इस तरह से समझ लो यार राहु तो ये सचिन तो राहु पे शनि चढ़ गया और यहाँ जुपिटर है, जुपिटर पे सन चढ़ गया, वो भी 6/12 बता रहा है। तो 3 लिटिगेशन वालों पे 3 लिटिगेशन वाले चढ़ जाए, सेम पे सेम नहीं चढ़ सकता, राहु पे राहु शनि पे शनि सन पे सन ऐसे नहीं चढ़ सकता कभी, क्योंकि जन्म पत्री कभी रिपीट नहीं होती, जन्म पत्री रिपीट होती है करीब 5,000 सालों के। तो दीक्षांत जो पैदा हुआ है, तो दीक्षांत जैसा आदमी टाइम प्लेस कंडीशन बदल जाएंगी, 5,000 साल से पहले पैदा नहीं हो सकता एस्ट्रोलॉजिकली, वही प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन वापस नहीं आता। तो ये नहीं हो सकता शनि शनि पे, राहु राहु पे, केतु केतु पे, ये नहीं हो सकता। तो लिटिगेशन वाले लिटिगेशन वालों पे चढ़ जाए, मतलब ये है, ठीक है ना। या मैरिज वाले मैरिज पे वो चढ़ जाए, हेल्थ हेल्थ वाले हेल्थ पे चढ़ जाए, विनिंग लिटिगेशन विनिंग लिटिगेशन पे चढ़ जाए। तो अब इसमें देख लेते हैं, शनि राहु पे दोनों लिटिगेशन बता रहे हैं, राहु वीनस पे, मरकरी मरकरी पे, ठीक है ना। तो ये अब हमको डेट निकालनी है, डेट निकालने के लिए शनि राहु हमारे काम नहीं आएंगे क्योंकि उनकी मूवमेंट होती नहीं। मरकरी जो है वो 25°47' है, ये रखो। मरकरी मरकरी पे आया तो मरकरी की डिग्री क्या है 12-51, तो ये अगर रेट्रोग्रेड करता 12-51 पे आ गया तो मामला बन जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हम, अभी ये 12-51 तक आ नहीं सका, ये 17-20 पे डायरेक्ट हो गया, लेकिन वीनस आ गया। ये आप देख रहे हो, वापस जाता हूं मैं, वापस 1 मई पे चले गया जहां से हमने शुरू किया था।
ये वीनस यहाँ आ गया, वीनस आने का मतलब वीनस भी बता रहा लिटिगेशन, तो वीनस अगर मरकरी पे चढ़ गया तो भी ठीक है, तो मरकरी रेट्रोग्रेड होके 12-51 को छूने की कोशिश कर रहा है और वीनस 12-51 पे जा रहा है, वीनस आ गया यहाँ, ये लो जी वीनस आ गया, तो 22 में ही नोट कर लेंगे। तो ये रूल नंबर 3 हो गया, पहले तो रूल नंबर 2 करेक्ट हो गया, शनि राहु पे, राहु वीनस पे, वीनस मरकरी पे या मरकरी मरकरी, ठीक है ना। दूसरा हो गया या तो मरकरी वीनस कंजंक्ट हो जाए, ये तो मरकरी वीनस कंजंक्ट हो गया। तीसरा ये भी हो सकता है वीनस मरकरी पे आ जाए, तो 22 मई को वीनस मरकरी पे आ गया और वीनस मरकरी से कंजंक्ट भी हो गया 26 मई को, 27 को भी, 28 को भी, वो इनकी 1 डिग्री है वीनस पे, विदिन 1 डिग्री होगी, तो हम ये बोलेंगे कि 22 से 28 तारीख जो होगी ये डेंजरस होगी, इसमें आपका लिटिगेशन हो सकता है। तो ये रूल नंबर, ये ए ए बी ट्रांजिट प्लैनेट ऑन नेटल प्लैनेट, सर इसमें मिनिमम 3 प्लेनेट चाहिए क्या? गोचर में हमें कम से कम 3 चाहिए। ये वाला जो है ना गुरु मीन राशि में आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा, कुछ ना होगा, आएगा आगे जाए, जिस दिन मीन राशि में आएगा उस दिन सुबह बेटा उठना, ब्रश करना, ठीक है, फ्रेश होके पार्क में जाना, बच्चे गर्मी बहुत हो गई है फिर भी चले जाना, जल्दी उठ जाना, ठीक है, थोड़ा घूम फिर आना, जिम चले जाना है ना, अपना नहा धो लेना, थोड़ा बीवी से कुछ दो, बीवी से थोड़ी कहा सुनी कहते ना, सुनी सुनी, सॉरी सुनी सुनी कर लेना, नाश्ता करके लंच ले जाना, ऑफिस में आप सारे काम करना, वो यही होगा, कुछ ना होना भाई, जो ठीक है। तो ये हमें तीनों मैच करना है, ये भी मैच करना है, इन पांचों में से एक मैच करना है, ये तीसरे वाले स्टेप में भी मैच करना है, तीनों का एक मैच होना चाहिए, यानी कि ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, बीच का छूट गया, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो आदमी हमारे पास आएगा, बोलेगा भाई साहब ये लफड़ा तो बड़ा तगड़ा हो गया, मेरे तो आए तो जिंदगी में लिटिगेशन हुआ नहीं ना मेरे ऊपर, तो मैं तो बड़े परेशानी में हूँ, तो अभी ये कब निपटेगा, तो कभी नहीं निपटेगा, मतलब आसान नहीं है निपटना, वीनस मार्स, वीनस राहु, वीनस जुपिटर में निपट सकता है, वीनस शनि, वीनस मरकरी, तो इट इज वेरी टफ, लंबा चलेगी गेम, आसान नहीं है। और हिंदुस्तानी कानून, दादा खरीदे पोता बरते, तो जुपिटर के अंदर स्टार्टिंग में प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डेट लगी थी 2007 में जो डेट लगी थी, उसके बाद 2010 में डेट लगी एक तरीके से समझो, तो वो तो जुपिटर बिना कोर्ट जाए निकल गया, केस का फैसला नहीं हुआ, केस का फैसला हम नहीं बता सकते कब होगा, ये बिना जुपिटर, जुपिटर विल बी अ वेरी गुड पीरियड, और लिटिगेशन नहीं होंगे ये हम कह सकते। अब आ जाते हैं हम वीनस राहु, हम उसको जैसे उसने पूछा वीनस मार्स में निपटेगा कब, हम बोलेंगे वीनस राहु शनि, वीनस मार्स राहु मरकरी, वीनस राहु वीनस, इन सभी में लपड़े होंगे, इनमें नए केस होंगे, वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, वीनस राहु वीनस, ठीक है ना, क्यों होंगे, क्योंकि राहु तो आ ही गया, तो मार्स को तो राहु या शनि की जरूरत है, लेकिन राहु को तो आ ही गया, उसको तो कोई और मिल जाए वो तो बोलेगा आ जा तू भी ले ले मजे, तू भी ले ले मजे, ठीक है ना। तो वीनस राहु मरकरी में हम आगे सितंबर 2005, तो और फिर वीनस राहु वीनस में हो गए अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2006, ठीक है। तो ये हम आ जाते हैं उसको वीनस, नहीं वीनस राहु शनि भी था, वीनस राहु शनि 21 मार्च से सितंबर 2005, वीनस राहु मरकरी अप टू 13 फरवरी 2006, तो ये सारे ही गड़बड़ है, ठीक है, पूरा साल एक एक साल के करीब गड़बड़ है, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, वीनस राहु शनि, वीनस राहु मरकरी, फिर वीनस राहु वीनस, तो आ जाते हैं वीनस राहु शनि पे बारे में। अब देख लेते हैं, शनि राहु पे है, वीनस मरकरी पे है, मार्स शनि पे है, ठीक है। तो या तो वीनस मरकरी की डिग्री को टच कर ले या मार्स शनि की डिग्री को टच कर ले, शनि तो चलेगा नहीं, हाँ
तो मार्स की डिग्री देख लेते हैं, मार्स की डिग्री है 656, सैटर्न की डिग्री है 10, ठीक है ना, 656 एंड 10, सात आठ नौ मई इसको कह देंगे भैया, मौज करो। फिर आएगा वीनस राहु मरकरी, तो एक उन्होंने बता दिया इसको, पहले लिख के दे दिया भाई जाओ एक और एक के साथ तीन फ्री की स्कीम चल रही है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं हम ये वाले पे, जैसे अभी वीनस राहु मरकरी चल रहा है, तो तीन प्लैनेट अगर 6-8-12 को एस्पेक्ट करेंगे, ये मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, तीन प्लैनेट 6-8-12 को एस्पेक्ट करेंगे तब भी कांड हो जाएगा उसका। अब जैसे राहु 8 को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स 8 को एस्पेक्ट कर रहा है, शनि 6 को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वीनस की ये डिग्री क्या होगी 10-45 है ना। अब वीनस की डिग्री क्या होगी, 15 होगी, ठीक है। तो ये तो बन गया राहु 8वें को, मार्स 8वें को, शनि 6 को, और ये वीनस जो है 8वें की जो डिग्री हाउस की डिग्री को टच कर रहा है, हाउस की डिग्री को भी टच करेगा तो ये लास्ट वाली चीज है। देखो 8वें की हाउस की डिग्री क्या है, 1448, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमने और उसको बता दिया, अभी अक्टूबर मिड में एक और केस हो जाएगा एस्पेक्ट सिग्निफिकेटर हाउसेस, तो लिटिगेशन है, तो 6-8-12 को तीन प्लैनेट एस्पेक्ट करेंगे, दो 6 को कर ले, एक 8 कर ले, एक 6 को, एक 8 को, एक 12 कर ले, दो 12 कर ले, एक 8 कर ले, कैसे भी कर ले। और सी है ट्रांजिट प्लैनेट ऑन सिग्निफिकेटर हाउस की, सिग्निफिकेटर हाउस डिग्री का मतलब होगा कि अगर मैरिज होगी तो 2-7-11 देखेंगे, प्रॉपर्टी होगी तो 4-11-12 देखेंगे, ट्रेवल होगा तो 3-12 देखेंगे, लिटिगेशन है तो 6-8 देखेंगे, सिग्निफिकेटर का मतलब ये हो गया ट्रांजिट सिग्निफिकेटर हाउसेस, ठीक है। एक ट्रांजिट सिग्निफिकेटर हाउस मतलब एक 6 में चला जाए, एक 8 में चला जाए, एक 12 में, ठीक है, ऐसा ये भी हो सकता। अब आ जाते हैं हम कि वीनस राहु मरकरी में, इसको लिटिगेशन है, वीनस राहु वीनस में भी लिटिगेशन है, ये हो गया अक्टूबर 2006 तक पीरियड फिर खराब है, 2006 में आ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम इसमें कि राहु 12वें में, सैटर्न जो है वो 4th में, मरकरी वीनस 3rd में, तो ये मरकरी वीनस हो सकता है शनि से जफी पाले, मतलब कट्ठे हो जाए, तो देख लेते हैं आगे, ठीक है ना, ये ठीक है। शनि मरकरी वीनस ये पहला वाला हो गया, थ्री प्लैनेट्स में, इससे थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाए ना तो पहले भी बनने की कोशिश होगी, बनने की कोशिश का मतलब ये है कि जैसे ये सैटर्न मार्स है तो मरकरी जैसे ही घुसेगा, दशा भुक्ति अंदर वही है, वीनस राहु वीनस दशा भुक्ति अंदर वही है, ये जून 2006 हमने निकाला था, अगस्त 2006, तो वीनस राहु वीनस है तो सैटर्न मार्स इकट्ठे थे, मरकरी इनसे मिलना चाहिए, देखते हैं मिलता नहीं मिलता, ये मैंने ऑटोमेटिक लगा दिया। अब ये मर्करी रेट्रोग्रेड हो गया, अभी देखो तो ये कट्ठे नहीं हो पाए, अगर कट्ठे नहीं हो पाए तो मतलब ये वाला जो डेटा है ये नलीफाई होगी, मतलब बात बनी नहीं, तो फिर वो अगर मर्करी दोबारा ट्राई करेगा अंदर घुसने का
अब अंदर तो घुस नहीं सकता, मतलब मार्स और शनि के साथ, तो मार्स तो चला गया, मार्स रुकेगा थोड़ा ना, उसकी भेंट थोड़ा ना करेगा। लेकिन ये मरकरी वीनस घुसेंगे। अब ये सन का कोई मतलब नहीं उनसे, सन हमारा 6/12 बताता है, नहीं वो बता रहा है 2/7, तो उससे हमारा मतलब नहीं। तो अब ये जैसे मरकरी वीनस इकट्ठे हुए, तो अब ये होगा हमारी मरकरी वीनस। जैसे ही उनमें से एक मरकरी वीनस में से एक भी शनि को टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हमारी मांगे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा पति देव कहलाएगा, हमारी मांगे सिंदूर से भर दूंगा, है ना। तो ये वैसे जन्म की उन्हें, तो ये एक और हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आया, ये तो हो गया पास्ट, मतलब मैंने कई आपको दिखा दिए, एक और दिखाता हूँ। 6/8/12 के हाउसेस में चले जाने वाले, वो भी दिखाता हूँ। हाउसेस में चले जाने वाला मतलब है कि वीनस राहु था, ये तो वीनस मरकरी में भी, तो वीनस शनि में भी तो हुआ होगा, ये चले जाते हैं वीनस शनि राहु, या वीनस मरकरी में भी तो हुआ होगा, वीनस मरकरी सेशन। तो ये और दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। ये हो गया 2015। अब ये देखो, दो प्लैनेट राहु मरकरी ये कहाँ पर है, और शनि अर्थ में, तो तीन प्लैनेट 6/8/12 में आ गए। तो ये एक हो गया राहु मरकरी इकट्ठे हुए, तो लो जी ये क्वालिटी ले लो मौज मौज, ठीक है। तो मरकरी की डिग्री भी जो है 6th हाउस पे ही आया, करीब करीब 6th हाउस की डिग्री है, 6th हाउस डिग्री 5 डिग्री है करीब। तो चलो कोई बात नहीं, एक दो दिन ऊपर नीचे। तो राहु मरकरी शनि ये इकट्ठे हो गए ना, मतलब आ गए इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा मतलब पास्ट का, मैंने तकरीबन आपको सारे बता दिए। एक हो रहा है, मैं हो गया म्यूचुअली एस्पेक्ट, म्यूचुअली एस्पेक्ट। वो है कि दो प्लेनेट भाई वन में हो, एक प्लेनेट 7 में हो, तो वो म्यूचुअली एस्पेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भाई ये प्रोबेबिलिटीज है, मतलब इनमें से एक, ये तो होगा ही होगा इनमें से एक, इन तीनों में से कोई भी एक हो गया तो हो गया, ये हमारा ट्रांजिट हो गया। अब आ जाते हैं हम इस पे कि हमने कोई फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्शन देनी है, तो वो भी हम ट्रांजिट कर सकते हैं। कि जैसे इस समय पे या ये वीनस में क्या चल रहा है, सन में वीनस चल रहा है, ठीक है। तो सन तो कोई लिटिगेशन बताता नहीं, तो सन वीनस राहु बताता है, ठीक है। सन दशा तो नहीं बताती, लेकिन वो डिनाई भी नहीं करती। इसमें कुछ छोटा मोटा बकेड़ा हो सकता है, छोटा मोटा है तो छोटा मोटा हम क्या कर सकते हैं, छोटा ही कहेंगे। तो वीनस राहु पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, तो देख लेते हैं कुछ बकेड़ा होना तो नहीं वाला, जान को। ये जुलाई पे आ जाते हैं, वीनस सेकंड पे है, मरकरी राहु पे है, और ये है, तो तीन ये बैठे हो, शनि शनि पे, शनि शनि पे है, मंगल 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 मरकरी पे है, वीनस वीनस पे है, और मरकरी राहु पे है। अब हमें डेट निकालनी है, तो मरकरी राहु पे जैसे ही आएगा, अभी मार्स है, राहु चाहिए वैसे मुझे, देख लेते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं चलेगा, मार्स में राहु चाहिए, राहु आने देते हैं, राहु आ गए, ठीक है। अब क्या हो गया, वीनस राहु पे है, राहु इस पे है, राहु मार्स पे है, मार्स मरकरी पे है, तो तीन प्लैनेट पे चढ़े हुए अभी भी, और राहु आ गया यहाँ पर। तो वीनस से राहु की डिग्री टच करेगी, वीनस है 15/46, राहु है नहीं, राहु है 10 डिग्री, और वीनस है 15, तो उसको पीछे ले जाऊंगा। ले अभी तो मार्स है, तो अभी रहने देते हैं, फिर आगे चलते हैं और कोई रास्ता ढूंढते हैं, तो कब होगा लिटिगेशन। तो अब हो गया मार्स वीनस पे है, राहु उस पे है, लेकिन शनि इस पे नहीं है। चलो होना चाहिए यार कुछ, तो लाइफ में जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है ना। तो बच गए, मतलब बच गए, हाँ बच गए, तो बच गए, ठीक है। फिर ठीक है, नहीं हो रहे तो क्या करें, जबरदस्ती होगी।
शनि 12 पे देख रहा है, मंगल हाँ ये ठीक है, अब आ गया गेम। मरकरी 12 को देख रहा है, मार्स 8वें को देख रहा है, शनि 12 को देख रहा है, 8 बार हो गया। मरकरी जो है 6th हाउस की डिग्री पे आ जाएगा, ये 4 डिग्री है 25 अगस्त, तो उसका मतलब अगस्त में जाके होगा, जो हम जून जुलाई ढूंढ रहे हैं, जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में जाके लिटिगेशन होगा, खतरनाक नहीं होगा लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ये डेट हमें लॉक कर देनी चाहिए, ठीक है, अगस्त की। तो बताइए इस तरह से ट्रेवल भी देख सकते हैं, जैसे ट्रेवल है तो अब ये वाले ना पत्री बहुत आसान है, आसान इसलिए है क्योंकि इसके नंबर कम है, इसमें कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए लगाई अपने कि ना मतलब राहु केतु में कुछ मतलब ज्यादा नंबर नहीं है, तो ज्यादा नंबर ना हो ना तो तंग कम करते हैं, कंसेंट्रेटेड सा आ जाता है मामला। तो अब आ जाते हैं जैसे हम ट्रैवल की बात करें तो कौन कौन से प्लैनेट ट्रैवल बता रहे हैं, केतु वीनस मार्स राहु जुपिटर शनि मरकरी, एक मून और सन ही जो है जिनमें कोई दम नहीं है, बाकी तो ठीक ही है सारे। तो देख लेते हैं, ट्रैवल तो जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो देख लेते हैं उससे पहले ही करा लो यार, इतना टाइम हो गया घर बैठे बैठे। चलो कोई बात नहीं, अब जुलाई बता दो जुलाई से, ठीक। तो हमें 3/12 में मून सन नहीं देख रहे बस, तो मून तो वैसे भी नहीं हम देखते, तो वीनस राहु पे, मार्स मार्स पे, शनि तो बेकार है। 3/12 में वो प्लेनेट जुपिटर 12 में, अब इसमें 3/12 देख रहे हैं, शनि 12 को देख रहा, राहु 9 को देख रहा, वीनस ठीक होगा, वीनस 9 को देख रहा है, शनि 12 को देख रहा है, राहु 9 को देख रहा है, बस हो गया हमारा काम हो गया, मैं 3/12 का ही कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब सन वीनस राहु एंड ऑफ जुलाई में तीन के कस्पल सब लॉर्ड को जैसे टच करेगा, तो मैं जुलाई में हम जा रहे हैं मॉस्को भाई, कम से कम यूक्रेन भी होते हैं, यूक्रेन का वीजा नहीं चाहिए होगा ना, ये वीजा नहीं देते यूक्रेन वाले इंडियंस को आसानी से, पढ़ने बच्चों को तो देते हैं वैसे नहीं देते सर, लेके बैठ गए। तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसमें जैसे डिग्री का सिग्निफिकेंस ट्रांजिट में ज्यादा है, इसका मतलब वही क्या सर, जो डिग्रीज हम देख रहे हैं, डिग्रीज जो हम, इसका मतलब हमें डिग्री सिर्फ ट्रांजिट में ज्यादा देखनी है। वैसे इसमें एक चीज अपनी थी, जैसे हमने डिग्रीज तो ले ली थी क्योंकि डिग्री से हमने नक्षत्र सब लॉर्ड निकाले थे, क्योंकि वो तो हमने वहां लिए हैं, वो तो बस सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो हम ले चुके थे टाइम से यूज कर रहे हैं उसको, तो फिर हमें वो फील नहीं आ रही कि हमने डिग्रीज यूज की थी, तो हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाउस की डिग्री वी हैव यूज्ड हियर, वो प्लैनेट की डिग्री पर, डिग्री पर डिग्री प्लैनेट टच कर रहा है, वो जो आपने बोला बिल्कुल सही है बात आपकी, वो उसको हम बड़ा प्रिसाइजली यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं। वैसे तो हमने सब लॉर्ड निकालने के लिए यूज कर रही है वो तो मुझे पता है, पर इसके इवेंट जब भी ट्रांजिट है तो हमें डिग्री को बड़ा प्रॉपर्टी चार 11 प्रॉपर्टी का देख लेते हैं, इसी पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी का, हमें 4, 11, 12 देखना। तो जैसे हो गया सन वीनस हो गया है ना, तो इसमें प्रॉपर्टी कौन बता रहा है, मून बस, ठीक है ना, और तो कोई बता नहीं रहा। अब 1/11/12 जो है वो वीनस बता रहा है, अब व्हीकल है तो हमें वीनस चाहिए, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, और प्रॉपर्टी है तो मंगल चाहिए, तो मतलब एक तो मून तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, मतलब फॉर प्रॉपर्टी परचेस 4/11 क्योंकि इसमें और एक जो कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टी का, चलो इसको प्रॉपर्टी को कर ही लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 4/11/12 मंगल या शनि में से या दोनों, और व्हीकल के लिए भी जो जाएगा। अब आ जाते लोन, लोन में एड 6 और 8 सेम, एड 6 और 8 सेम बात, 6 8 एड हो जाएगा,
तो लोन आ जाएगा, 6 बैंक का लोन है, 8 इधर उधर से लोन, ठीक है ना, भाइयों से, फ्रेंड से, प्रोविडेंट फंड से, इंश्योरेंस से, ठीक है ना। और अगर हो गया हमारा प्रॉपर्टी एट प्लेस ऑफ रिप्यूट, या हम कहते हैं पॉश कॉलोनी, है ना, न्यू व्हीकल, शुभ है, शुभ है, नेचुरल बेनिफिट्स, नेचुरल बेनिफिट्स इन डीपीए। तो दशा बुद्धि अंदर में होगा, वीनस, मून, जुपिटर, सन वगैरह ये होंगे, तो नई गाड़ी लेगा। और प्रॉपर्टी अगर पॉश कॉलोनी में लेनी है, सेम है, नेचुरल बेनिफिट, बेनिफिट्स इन डिग्री। प्रॉपर्टी एट जे जे कॉलोनी टाइप्स, ठीक है ना, ऐसी जगह या उसके आसपास नियर दैट, तो नेचुरल बेनिफिट्स। ओल्ड व्हीकल, नेचुरल बेनिफिट्स, ठीक है। कमर्शियल प्रॉपर्टी, एड 7 और 9, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल से, ठीक है। अभी इसको वो भी लगा लेते हैं, इसको पिक खोले। तो कमर्शियल का मतलब यही होगा ना, कि जो जैसा आदमी होगा, किसान होगा तो खेत खरीदेगा, अंबानी होगा तो इंडस्ट्रियल लैंड लेगा, डॉक्टर होगा तो क्लिनिक लेगा, सेवन ईयर मर गया, ठीक है ना। तो अब इसमें आ जाते हैं, जैसे इसमें क्या है, सन तो मतलब जो जो देख, देर इज नो एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड व्हीकल, इसलिए दशा वो नहीं भी सिग्निफाई करती। दशा जैसे मंगल जैसी है, 8 12 8 12, तो आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा, खरीद पाएगा, बात ही खत्म होगी, ठीक है ना। तो वैसे एंटी कॉम्बिनेशन कोई नहीं है, तो सन कोई एंटी नहीं बता रहा। तो सन वीनस, वीनस इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ व्हीकल, तो सन वीनस मून में कोई व्हीकल आने की संभावना बनती है। ठीक है ना। तो अब इसमें कौन कौन से प्लैनेट लेंगे हम उसके लिए, ट्रांजिट के लिए, केतु, मून, जुपिटर, वीनस, ये 4 ही लेंगे बस। केतु जुपिटर क्यों लेंगे, 12 11, 12 11 कुछ तो बता रहे। वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है, तो एक मिनट नजर मार लेते हैं। डीबीए में अगर तीन 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 बेनिफिट, डीबीए में तो 3 प्लैनेट है ही है। हाँ, 12 11 इसकी आपने उसके लिए ये सन वीनस, वीनस भी हो सकता है यार, उसमें कोई बात नहीं। अब इसमें वो भी देख लेते हैं, सन वीनस, वीनस भी मार मार लेते हैं नजर यार। तो जैसे तीन बेनिफिट है, उनमें से एक अगर मेलिफिक है चलेगा? मैलिफिक वो नई या पुरानी कार या अच्छी या बुरी जगह के ऊपर डिपेंड है, और कोई उसका मतलब नहीं है। समझे ना मेरी बात, मेरे पॉइंट समझ गया यार। मेलिफिक का और कोई काम नहीं है, वो यही है कि भाई आपने नाले के पास खरीदी है या वसंत विहार में खरीदी है। वसंत विहार का तो औकात नहीं खरीदने की, मतलब वैसे बात करूंगा, अच्छी जगह खरीदी। तो सर अगर दो बेनिफिक और एक भी मेलिफिक आ गया तो भी अच्छी जगह पे नहीं ले हाँ, तो भी सकते? अच्छी जगह है, तो भी अच्छी जगह है, जिसकी मतलब जिस जो मतलब जीत गया वाली बात नहीं। अभी हो गया सन वीनस, तो वीनस मून इकट्ठे हो गए, और कौन है, जुपिटर यहाँ है, और कौन सा प्लैनेट था, केतु, ठीक ठीक है। है। तो बात तो नहीं बनी है ना, नहीं बनी, नहीं बनी, क्या था?
केतु जुपिटर वीनस जुपिटर येरा केतु येरा ठीक है अभी सन वीनस वीनस भी हो सकता है तो सन वीनस वीनस पे चलते हैं जुपिटर ये बनती है भाई पानी जुपिटर वीनस मून यही बनती है भाई 12 अप्रैल ना बड़ा टिकलिश सा है गेम लेकिन ये बनती है यही एक पेड़ बनता है भाई 12 अप्रैल की खुशी बाद में बताएंगे तुम्हें तो बनती है या नहीं बनती है ना तो इसमें भाई कल बताते हैं अभी आगे 12 अप्रैल हाँ देखेंगे अभी देखेंगे क्या होता है ना तो इसमें सन वीनस वीनस एक मिनट इसमें पत्री भी देख लेते हैं ये तो हमने ट्रांजिट निकाल दिया तो सन जो है वो मार्स के साथ है सन को सैटर्न भी ठीक है ना तो इस तरह से हम उसके लिए भी ले सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए भी तो कौन सा होगा ये कई बार बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रोबेबिलिटी वीनस व्हीकल की ज्यादा लग रही है प्रॉपर्टी की कम क्योंकि वीनस खुद पार्ट प्ले कर रहा है बट फिर हम देखेंगे उसमें क्या होता है सन किस पे दृष्टि डाल रहा है सैटर्न सन पे दृष्टि डाल रहा है सैटर्न मार्स सैटर्न के सन के साथ बैठा तो सन को दोनों घेर रखा है तो इसलिए बैठा है तो प्रॉपर्टी व्हीकल कई बार वो बताना थोड़ा टिकलिश हो जाता है प्रॉपर्टी खरीदेगा या व्हीकल खरीदेगा क्योंकि जैसे सन की दशा वीनस की मुक्ति है इसमें मंगल की मुक्ति आएगी शनि की मुक्ति भी आएगी मेरे तो खैर मंगल से निकला मंगल तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड है तो मंगल में तो कभी खरीद नहीं पाओ शनि में शनि है प्रॉबिलिटी होगी सन वीनस सैटर्न तो प्रॉपर्टी के लिए तो ये थोड़ा टिकले जरूर हो जाता है बट यही हम आज तक कर पाए हैं समझ पाए हैं तो ये एक तरीके से दिस इज दी प्रॉबिलिटी कि भाई क्या खरीद पा रहे ये प्रॉपर्टी नहीं बोल सके सर अभी एक कमर्शियल व्हीकल बुक किया है मैंने जिसकी डिलीवरी शायद एक आध महीने में हो जाएगी तो क्या वो जो आप बता रहे हैं वो मेरे चार्ट पे दिख पाएगा क्या डेट ऑफ बता 15/10 1953 एंड टाइम इज 15/10 प्लेस क्लियर एक मैं बोलना भूल गया जुपिटर भी ऐड कर लेना व्हीकल सॉरी मैं बोलना भूल गया जुपिटर भी ऐड कर तो ये हो गया सैटर्न मरकरी वीनस सन के साथ है तो हमारा आपका चल रहा है सर सैटर्न मरकरी जुपिटर जुपिटर देख के ही मेरे को याद आया एक्चुअली तो जुपिटर हो गया 4/11 सैटर्न तो सिर्फ 12/11 बता रहा है मरकरी 4/11 बता रहा है तो दशा भुक्ति अंतर तो बता रहा है सर अब हम सर इसका वो देख लेते हैं ट्रांजिट देख लेते हैं तो ट्रांजिट के लिए वीनस पॉजिटिव है वीनस को नहीं पॉजिटिव मार्स वीनस मार्स जुपिटर शनि मरकरी वीनस मार्स जुपिटर सैटर्न अच्छा इनमें सब में 7 देख लेते हैं एक तो मरकरी है ही है सैटर्न में भी 7 है ही है तो जुपिटर में भी 7 है ही है ठीक है ना और प्लैनेट बता देते हैं वीनस मार्स जुपिटर सैटर्न तो वीनस मार्स शनि सर इकट्ठे बैठे हैं आगे सभी पे आगे मतलब है कि वीनस शनि की डिग्री ही एक होगी तो सर आपने कब की है वो सर ढाई 3 महीने पहले ढाई 3 महीने पहले जी और हो गया अभी डिलीवरी आनी है अच्छा अभी ढाई 3 महीने पहले चले पीरियड क्या हो गया भाई
वीनस मार्स, भाई वीनस मार्स 4 में 11 में है, शनि 12 में है, बाकी सारे प्लैनेट तो या तो प्लैनेट 4 11 12 में हो या जफी भागे बैठे हो। आप समझ रहे सर, मतलब कि प्रॉपर्टी परचेज के लिए हमें क्या करना, 4 11 12 में तीन प्लैनेट चले जाएं, वो तीन प्लैनेट अंदर आई अभी वो कंजंक्ट बैठे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन उसकी चल रही होगी ना सर, आपने ट्रक लिया होगा उसके अंदर वो सारी चीजें आप चल रही होंगी, ऐसा कुछ होगा ना सर, वो जो वो बड़े बड़े एक्टरों के वो नहीं होती सर, वो ऐसे बने यार वो नहीं अब बता रहे ना यार माने क्या बात। अरे सर साथ में बैठेंगे अगर ऐसा हो गया तो कौन सी गाड़ी बनवा रहे हो ये तो बता दो। ये मैं वाइफ के लिए लिया है सर, वो डीजल एट डोर, मतलब ये डीजल एक तरह से चलता फिरता पेट्रोल पंप है डीजल के लिए। अच्छा ये कमर्शियल हो गई है। अच्छा समझ आ गया, आपने बताई थी ना वो, मतलब ये टैंकर बन रहे हैं सर ऐसा एक तरह से, वो बड़ा हाई फाई है मतलब। अच्छा सर उसमें ऐसा होता है भाई, जैसे है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी तो होती है सर, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल इसी केस में होता है जब कमर्शियल हो। जी सर। भाई जैसे या तो हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करें, जैसे कोई एक्टर्स है तो वो क्या करते हैं अपने अपनी बस एक बना लेते हैं। यस सर। उसी के अंदर ही मतलब बेड भी बिक जाता है, खाने का भी है, सब चीजें है उसी के अंदर। जिम भी होता है सर उसके अंदर। अच्छा जिम भी होता है सर, तो वो कनाडा में बहुत होता है सर। पुष्पा वाला एक्टर अल्लू अर्जुन। अच्छा वो पिक्चर नहीं देखी सर मैंने, मैं वो कह रहा था सर ये कनाडा में बहुत होता है, आम आदमी के पास भी होती है। यस सर। क्या होता है अपनी कार के पीछे लगा लेते हैं, तो पीछे वो डब्बा लगा होता है, वो कहीं भी घूमता रहता है डब्बे को लेकर, वैनिटी वैन बोलते हैं। हाँ वो सिटी के बाहर खड़ी कर देते हैं। 8 करोड़ वैनिटी वैन 8 करोड़ की है सर। क्यों 8 करोड़ आपके लिए क्या है सर, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर सर, आपकी मेहनत। तो अभी एक तो चीज हो गई कि भाई प्रॉपर्टी व्हीकल हमने कहा मतलब 411 हो गया दशम के अंदर देखिए, एक ये जुपिटर हो गया ठीक है, एक हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज द सेम, वो सेम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल जो है वो जैसे हवाई जहाज रॉक खींचते हैं तो उसको हमने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है, या लोगों को लेके जाना है, या ट्रक होते हैं तो भाई वो दूध के लिए यूज होंगे, या किस चीज को ढोने के लिए यूज होंगे, तो इस तरह से उसकी बॉडी बनाई जाती है बाद में, तो उसको मतलब कम्बिनेशन एक है, चाहे वो मतलब परचेज का या परचेज हुआ प्रॉपर्टी का। पर जो प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, आजकल तो कमी होता है कि प्लॉट लिया और फिर कंस्ट्रक्शन कराई, अभी होता तो है लेकिन हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कम होता है मतलब शहरों में कम, गांव में तो अभी भी वही है, कोई भी फ्लैट नहीं बनाएगा, अर्बन की बात कर रहा था। नॉर्मली जो ये होगी हमारी पर्सनल व्हीकल के लिए तो कोई कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीकल। इसके बाद आ जाती है बात, जैसे सर आपने जुपिटर के पीरियड में खरीदी है ना, तो जुपिटर के पीरियड में खरीदी तो वीनस और जुपिटर में सर फर्क सिर्फ ये होगा कि वो बड़ी होगी सर, साइज में बड़ी और लग्जूरियस भी हो सकती है, लग्जूरियस बड़ी और तो जुपिटर का गेम ही होता है, जुपिटर का पिक तो बड़ी आएगी ठीक है, और टेक्नोलॉजी तो आप बताइए एक हो जाता है शुभ अशुभ को हमने ऐसे देखना सर, ये न्यूमरोलॉजी हम यहाँ करेंगे कि जिसका सिंगल वन और डेस्टिनी वन और
पास वन है या डेस्टिनल, वन है या डेस्टिनल का मतलब क्या है? जैसे अमिताभ बच्चन डेट ऑफ बर्थ हो गया 19, उनका हो गया 1980 डेस्टिनी मान, तो उनका डेस्टिनी मानना है या वन हो गया किसी का, जैसे मोदी जी का हो गया 17 सितंबर 1950, ये वन निकल है वन, हम टोटल के लिए तो तो किसी का अगर सिंगल वन है या डेस्टिनी वन है उसकी शुभ है। शुभ का मतलब क्या हो गया कि अगर वो प्रॉपर्टी लेने जा रहा है तो जैसे ग्रेटर नोएडा ऐसे कहीं भी एक सुपर टेक जो बिल्डर है वो फेल हो गया, अब कितने लोगों के पैसे डूब गए हैं इसके? 25,000। कितने से? 25,000। तो जिनका ये है उनके नहीं डूबे, जिनका ये है उनका नहीं डूबेंगे, जिनका मन नहीं है उनका सबका ठीक है। जैसे मेरा है 29 अप्रैल 1964, मेरे में वन नहीं है तो मेरे को सुरक्षा कवच मिल गया। मतलब मैं अगर प्रॉपर्टी की डील करने आया 2-4 लाख की, मैं आजकल के जमाने के हिसाब से 2-4-5 लाख की कवाई मैं नहीं देता, लेकिन जो 25-26 हजार जिन लोगों के सुपरटेक में डूबे होंगे उन लोगों के कम से कम करीब करीब आदमी के भी 20-25-50-50 लाख 1 करोड़ रुपया डूबा होगा, वो है एक मेजर इशू। तो जिनके मल्टीपल बन, जैसे अगर राहुल गांधी ठीक है ना 19 जून 1970 तो ये 1-9 है, इसको भी हम टोटल करते हैं 1+9 करेंगे 10 है, तो 1 उसके 2 1 गिर जाएंगे, एक ये 1 एक ये 1, तो 19 नंबर में पैदा 19 तारीख को पैदा हुआ आदमी, 11 तारीख को पैदा हुआ आदमी अगर उसका डेस्टिनी वन नहीं बनता तो उसके भी 2 1 हो गए 1 जनवरी। तो ऐसे टाइप के जो भी लोग होंगे उनको खतरा है, वो ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी मत खरीदे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जो बड़े बिल्डर के मैं 2 साल में बना दूंगा, 5 साल में बना दूंगा, 8 साल में बना दूंगा, वो कभी ना बने, वहां फंसने वाली गेम हो जाएगी। वो पक्की प्रॉपर्टी ले, पक्की का मतलब है जैसे आज रजिस्ट्री कल ताला, हाँ अभी की अभी DDA की पक्की, DLF की पक्की, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की पक्की, जितने बीच में लोग कम से कम हो वो सीधी खरीदे भाई, बात खत्म। हाँ बैंक लोन ले लो कोई बात नहीं, वो इस चक्कर में मत पड़े बिल्कुल, नहीं तो वो फंसे। ये ज्योतिष से बता दें तो नवंबर बोन है तो 11 महीना, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ नवंबर। अब आप इसमें देख लो उमंग सर। जी सर। सर ये इनकी जिन्होंने जिनके लिए ली गई है क्या मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूँ आपको अभी? मतलब पैसे जो जिनके लिए ली गई है सर, इसमें नाम किसका, किसके नाम पे ली गई? मेरा ये नाम आपका? यस सर। और काम वो करने वाली है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14th मार्च 1980। अपनी बता दो। 15 अक्टूबर 1953। ये हमने व्हीकल लिया, मैं प्रॉपर्टी की बात, तो ये व्हीकल पे आप एप्लीकेबल नहीं। अच्छा 5-3-8-8 6-7-8-8 5-8 6 ये प्रॉपर्टी के लिए ठीक कुंडी होगी हमारे हिसाब से, बन आ रहा है क्योंकि भी तो वैसे व्हीकल की बात मतलब इस समय जो आपकी व्हीकल की तो उस पे तो मुझे कुछ कहना नहीं, बट शी इज लकी अबाउट दी प्रॉपर्टी कि
if you purchase a property in her name, it is better that you purchase in your name. Vehicle के लिए आप कुछ भी कर लो सर, आप क्योंकि आपके दो बार जी सर वो डिटेल में सर जब प्रॉपर्टी को करेंगे ना फुल लॉजी तो उसमें वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है, कब फंसता है वो भी आ जाती है डिटेल जी सर। कई बार ये वाले भी फंसते हैं अगर ये निकल आते हैं, और इनके केस में डिफरेंट होता है, जो डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन है जैसे मेरा बच्चन ये है, तो इनका क्या होगा, ये जिस प्रॉपर्टी में हाथ डालेंगे वो प्रॉपर्टी की सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो एकदम से वो मतलब उसके रेट बढ़ जाएंगे। खैर अमिताभ बच्चन जाएगा वहां के रेट तो बढ़ ही जाएंगे, वो मतलब मैं नहीं कह रहा, मतलब ये है कि जैसे दीक्षांत आपका भी है जैसे एग्जाम्पल है डेस्टिनी वन है, तो अगर आप लेते हो प्रॉपर्टी तो चांस की बात ऐसी होगी कि भी उधर कोई मॉल खुल जाएगा, पहले पोस्ट ऑफिस खुल रहा था मॉल खुल गया, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुलने लगे, तो ऑटोमेटिक लोगों को चाहिए प्रॉपर्टीज पास में, तो प्रॉपर्टीज का रेट बढ़ गया एकदम से, या गवर्नमेंट का वो बढ़ गया बदल गया कह रहा था कुछ, इन्होंने चीजें बदल ली कि भाई यहाँ से मेन सड़क जाएगी हाईवे जाएगा, तो उससे एकदम से पता चले 5 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख की होगी, मतलब इस टाइप से ना ऐसा कुछ है। सर जैसे 22/11/1957 है उसमें 2 डबल 1 भी आ रहा है, टेस्ट भी वन भी आ रही है, 22/11/57 इनमें जो ये जैसे होता है ये मल्टीपल वन नॉट टेस्टिंग वन है मल्टीपल वन इसमें भी टेस्टिंग वन ये तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा जिसमें जिसमें ये नहीं है टेस्टिंग वन नहीं है तो उनमें ये भी होता है कि जैसे कागज गड़बड़ को मिलते हैं बाद में बता देता है कागज गड़बड़ है, लेकिन फिर उससे नुकसान भी होता है, मेरे केस में भी कागज गड़बड़ते हैं लेकिन मुझे नुकसान नहीं बिकती, गलत बात करते फिर भी बिकती, मेरा को कुछ ना हुआ 20 साल बाद पता चला, मैंने 20 साल बाद पता चला गलत है कागज मैं बेच नहीं रहा, उसने कहा कागज गलत है, मैं कहा खरीदना खरीद नहीं करना मत खरीद भाई, मैं जा सकता हूँ गलत है गलत है, ले लिया उसने कोई दिक्कत। अब एक शुभ अशुभ ऐसे होता है कि बोलते हैं कि भाई प्रॉपर्टी मेरे लिए शुभ है या नहीं ऐसे, तो आगे का उसका पीरियड ठीक है तो शुभ है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ऐसे कई बार होता है बहू की जैसे लड़के की जैसे शादी होगी तो घर में कोई डेथ होगी तो बहू का पैरा खराब है, ये तो मतलब नहीं है वो अपने उससे ही डेथ होगी, इस तरह हमने प्रॉपर्टी खरीदी उसके बाद हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ, इससे पहले हमने कभी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं थी, ग्रोथ ही ग्रोथ होती चली, तो इसका मतलब हमारी दशा अच्छी आ गई थी तभी तो हमने प्रॉपर्टी खरीदी और फिर आगे ठीक ही ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी की वजह से कुछ शुभ नहीं हो रहा या प्रॉपर्टी की वजह से आप अशुभ नहीं हो रहा, भैया हमने प्रॉपर्टी खरीदी और किसी के आपके मतलब क्लोज रिलेटिव की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी से डेथ होगी वो भी नहीं है, ये हमारे दिमाग में मतलब ये वहम डालने वाली बात होती है कई बार, जैसे कुत्ता पाला कुत्ते पालने के बाद एकदम से ग्रोथ, तो कुत्ते की वजह से हो रहा है, मैं कुत्ते की वजह से तो पहले तुम खुद खाने लायक तुम्हारे पास नहीं थे, कुत्ते का खर्चा तो इंसान से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं और कोई मतलब नहीं होता, ठीक वहम है, वहम है, वहम का क्या इलाज है, कुत्ता पाल लो काला कुत्ता करके बोला जाता है, काला कुत्ता क्या करेगा मतलब इससे क्या होगा बताओ आप, वो पंडित जी ना शनि खराब है आप काला कुत्ता पाल, शनि काला होता है तो काला कुत्ता पाल लेंगे, तो काले कुत्ते समझो यार काले कुत्ते लाया इसका मतलब शनि को खिला रहे, वो शनि उधर तो देख रहा है टेलीस्कोप काला कुत्ता पाला ऐसे कोई होता है यार ऐसे होता है, जल्दी वाली बातें करते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया ना दीक्षांत कि दान की बात कर रहे हैं, दान हम किसी रीजन से नहीं दे रहे ना यार कि मेरा शनि ठीक होगा तो फिर वो दान रानी बात खत्म होगी, ये ब्रह्मांड एक पूरा एक सिंगल क्रीचर है इट्स गॉड, तो मैं अगर कहता हूं कि कश्मीर फाइल यूट्यूब पर डाल दी जाए तो मैं एक वायरस हो गया, असुर और सुर की लड़ाई तो चलती है, तो अपने आप सुर पैदा होंगे असुर को मारने के लिए, ये नेचर है भी, जैसे बैक्टीरिया शरीर में पैदा होगा एंटीबॉडीज अपने आप बनेगी, अगर आप किन्हीं लोगों को डिसरिस्पेक्ट देना चाहते हैं
तो कुछ लोगों को आप नाराज कर ही लोगे, कुछ लोगों को बेनिफिट, तो इसका मतलब कुछ आप एंटीबॉडीज तो बॉडी के अंदर ही पैदा होते हैं। आपने इतने समय से पेड़ काटे जा रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, देख लो भाई उसमें क्या बड़ी बात है, एक ही क्रीचर है ना, उसका इफेक्ट मुझ पे आना है, मैंने ही किया था, मेरा कर्म मेरे पे आ रहा है। अब पेड़ लगा तो भाई और सिंपल क्या है, एंटीबॉडीज पैदा कर लो। तो मतलब डबल वन वालों को प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, बीवी के नाम पे ले ले, बेटे के नाम पे ले ले, ऐसा कुछ कर ले, खुद अपने नाम पे, सबका ही डबल वन होगा तो घर में मैं क्या करता, फिर नहीं लेनी चाहिए ना उस इंसान को। ओ माय गॉड की कसम। तो फिर उसके लिए हमारे पास सिर्फ यही है कहने का, मतलब देखभाल के संभाल के एक ही मुश्त में सीधी प्रॉपर्टी ले, बैंक से लोन करा रहे उसकी बात नहीं है, पक्की जैसे आपके उज्जैन में होगी कोई उज्जैन डेवलपमेंट कोई अथॉरिटी करके होगी, उसी की प्रॉपर्टी फर्स्ट हैंड ले लो तो बहुत बेहतर है। नहीं तो नॉर्मली कागजों में दिक्कत आती है, जैसे ये तो मैंने सुपरटेक का एग्जाम्पल दिया, वो वाला एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, ऐसे ही मेरे से पूछ लिया कैसे रहेगी, तो मेरे को लगा ठीक सा नहीं, इवन मैंने कहा यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बोलता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। वो तीन एक साल बाद आया मेरे पास फिर प्रेडिक्शन में, बोलता भाई साहब आपने वो चीज पूछी थी, मैं कहा जी पूछी थी, आप हैरान से थे कि सबको ठीक चल रहा है, बोलते आपकी हैरानी वाजिब थी, मैं क्या हुआ, बोलते जब हमने वो फैक्ट्री बना ली, कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई और जब गृह प्रवेश के लिए मतलब वो पंडाल लगा के आदमी पूजा वूजा के लिए पंडित जी को बुला कर बैठता है, तो एक आदमी आया बोलता भाई साहब थैंक यू फॉर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिंग माय प्लॉट, अब आप यहां से निकलो, प्लॉट मेरे पे बना दिया। तो जेई ने निशानदेही गलत दे दी, उसका 25 नंबर प्लॉट है उसने 26 को दिया, 26 वाला आ गया मेरे पे बना दिया, तब तक वो बोला नहीं। अब वो जेई के पास गए, जेई बोला जी मेरी नौकरी चली जाएगी बाबू जी, मैं तो मर जाऊंगा, तुम्हें तो फिर भी बेनिफिट नहीं होगा। उसको इतना ही बेनिफिट हुआ कि उसने आधा आधा पैसे दे दिया, जिसकी कंस्ट्रक्शन की उसने हाफ दे दिया, मैं हाफ दे सकता हूँ, आप बंदा क्या करें। तो इस टाइप से कोई कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी सिस्टर ने खरीदी वो नवम्बर वॉर में, तो उसके केस में क्या हुआ कि जिससे ली उसकी बहन ने केस कर दिया उस पर, क्योंकि वो उसके फादर की प्रॉपर्टी थी, तो बहन ने कैसे है मेरा हिस्सा, तो फिर प्रॉब्लम, वो कुछ उसने पैसे दिए कुछ सिस्टर ने को पैसे देने पड़े जान छुड़ाने के लिए, तो मतलब कुछ ना कुछ मेजर नुकसान हो जाता है। कंस्ट्रक्शन वाली नहीं लेनी, बनी बनाई ले सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट वाली वो नहीं लेनी। मैंने बताया था ना वेदांत कि हमें उसमें बात की उसको मतलब को समझ कि प्रॉपर्टी जो है उसमें खरीदे और घुस जाए वाला सिचुएशन, और कागज कम से कम कार्रवाइयां वाला। अब जैसे उज्जैन की डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो तो किसानों से जब प्रॉपर्टी लेगी तो उनको सेटिस्फाई पूरा कर ही देगी ऑब्वियसली, तो वो तो बखेड़ा खत्म। लेकिन गुड़गांव में पहले क्या होता था कि वो लेते उसके बाद भी वो केस करते थे, फिर वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फिर जिनों को प्रॉपर्टी देती थी उससे फिर पैसे लेने लेती रहती थी। आजकल खैर गवर्नमेंट ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, वो उनसे पता नहीं कुछ लिखवा लेते हैं, और जो फर्स्ट हैंड है वो तुरंत लो और घुसो, ये रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। और अगर जैसे मेरे पे प्रॉपर्टी पर केस करते हैं तो और दोनों के डेट ऑफ बर्थ ऑब्वियसली अलग होंगे, तो उस केस में एक का अगर मेंबर है और दूसरे का कुछ और बनता है तब क्या इफेक्ट आएगा? नहीं नहीं उससे मतलब नहीं है कि जैसे उसमें क्या है कि जैसे दीक्षांत का है डबल वन, दिव्या का नहीं है, तो या तो दिव्या के नाम पे ले, दिव्या बिकम्स द फर्स्ट ओनर एंड मोर देन 50% इफ पॉसिबल, अदरवाइज वो फर्स्ट ओनर बन ले वो सेकंड हो तो दैट इज फाइन, उतने में गाड़ी तुम्हारी चल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं जिनका मल्टीपल वन है उनको ये वाला तो कतई नहीं कहूंगा, जो ये होता ना कि वो डीएलएफ के बन रहे हैं या अंसल्स के बन रहे हैं जी, चलो जी अभी 5 लाख दे देते हैं जी, फिर अगले साल 10 लाख दे देना, वो मामला तो गड़बड़ाएगा आपका, जो गड़बड़ाएगा बाकी किसी को गड़बड़ाएगा ना गड़बड़ाएगा ऐसे। अब होगी सेल, प्रॉपर्टी होगी तो मंगल शनि,
Mangajuni for property. And Venus, Jupiter for vehicle. You know, अब इसमें एक और हो गया if Venus is aspected or conjunct with Jupiter or Moon, if Mars Saturn is aspected with Jupiter or Moon. किसी की व्हीकल मतलब अगर किसी की वीनस वीनस के अंदर वो प्रॉपर्टी ले रहा है, वीनस मून जुपिटर से मून जुपिटर से एस्पेक्ट कनेक्ट है तो वो बड़ी लेगा। बड़ी का मतलब ये जो है ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होती। मेरे लिए बड़ी और चीज है, अंबानी के लिए बड़ी और चीज। अंबानी तो अपने एम्प्लॉयर्स को दे रहा है मर्सिडीज, मेरी औकात नहीं मर्सिडीज की, तो वो बंदे बंदे पे डिपेंड करेगा ना। मैं अगर डिग्गी वाली भी ले रहा हूँ तो इट्स फॉर मी इट्स लग्जरी। प्रॉपर्टी हो गया तो वो भी सब्जेक्टिव है। बॉम्बे हो गया तो अगर आपको टू बेडरूम का मिल गया तो लग्जूरियस है, मतलब आपने 1200 स्क्वायर फुट का ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। बॉम्बे में, चंडीगढ़ में वो बोलेंगे भाई ये डब्बे में नहीं रहा आपको, वो फर्क हो जाएगा उसको ना, तो वो डिपेंड करेगा। तो लग्जरी का मतलब हर जगह बदल जाएगा, ठीक है। और ये टाइम प्लेस कंडीशन का उससे भी है कि भी आज से 70 साल पहले बॉम्बे का कितने बड़ा फ्लैट था तो आज कितना है, ऐसे ही दिल्ली में। और क्या चीज है इसके अंदर, हाँ कलर ऑफ व्हीकल। ये वैसे मजे के लिए, मतलब प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, मजे के लिए। सर क्वेश्चन था, हाँ जी सर, सपोज जैसे 1991 या 1981 जो होता है ना, वो वन भी काउंट होगा क्या? ये 1991 का सर एक मिनट देखो, जैसे हो गया 30 मार्च 1991, इसमें एक और वन आ रहा है। इसको टोटल के लिए तो हम यूज करेंगे 3, 3, 6, 7 और 1, 8, लेकिन इसको वन को हम कंसिडर नहीं करेंगे वैसे कि भी ये सिंगल वन है या डबल वन है, ये सिंगल वन ही। ओके त्रिदीप दोबारा समझाता हूँ, मतलब टोटल में हम इसको ऐड करेंगे 3 + 3 = 6 + 1 = 7 + 9 = 16 + 9 = 25 + 1 = 26 = 2 + 6 = 8, लेकिन हम इसको मानेंगे सिंगल वन ही। ये वाला ऐड के लिए यूज करेंगे, वैसे यूज करेंगे इसको वन ही मानेंगे कि वो तो वन कॉमन चले ही आ रहा है ना यार, 100 साल के लिए तो कॉमन है ही है ना, वो 1000 साल के लिए कॉमन रहा है, तो 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 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
सर ये मेटेलिक कलर कौन से इसमें आएगा? वीनस, वैसे तो आजकल मेटेलिक कॉमन हो गया, तो इतना विजिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा कलर हो गया। तो ये भी टाइम प्लेस कंडीशन है। पहले तो राजदूत ही आती थी, काली एज थी राजदूत,
बुलेट ये काली आती थी ना, अब तो स्कूटियां पिंक की भी आ गई। तो बताओ जी कोई दशा बुक के अंदर तीन होगी ना यार, एक तो होगी नहीं, जैसे तो कोई तीन बता दे यार वेदांत को, तीन दशा बुक के अंदर अलग अलग मंगल शनि विनस। तो ये हम अगर उसका बताएंगे भी क्या कलर की व्हीकल लेगा, तो मार्स हो गया रेड, ये हो गया समझ लो ब्लू, ये इसका कोई कलर ना हुआ, इसका मेटेलिक मान लेते हैं, व्हाइट भी मान ले तो कोई उसमें कोई बात नहीं। अब रेड ब्लू का मिक्स बना देंगे, मिक्सचर बना देंगे, क्या बन जाएगा, पर्पल सा बन जाएगा उसमें, आजकल तो सब रंग आते हैं, वो डिपेंड भी करेगा यार उस समय पे कौन सा व्हीकल मतलब कलर अवेलेबल है। तो अगर पर्पल है ही नहीं, नॉर्मली हर कार में चार कलर होते हैं, व्हाइट तो सभी हर में दे ही देते हैं, तो तीन कलर ही पॉसिबल है, तो फिर मतलब नियरेस्ट टू दी पर्पल हो यार, नहीं एग्जैक्ट तो कुछ हम शेड तो शेड कार्ड तो लेके बैठे नहीं, ये एक हम आइडिया ले। और कोई दो बता दिया और कोई एक दो सर, बुध गुरु और चंद्रमा। बुध गुरु चंद्रमा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीनस कहीं ना कहीं इनके साथ कंजेंट एस्पेक्ट है ना, मर्करी हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, ऐसा हो गया सैफ्रन, येलो ग्रीन क्या बनेगा, नेम क्या बनेगा, आई डोंट नो, मैं ग्रीनिश येलो टाइप से लाइट येलो ग्रीन क्या बनेगा, ग्रीनिश येलो ही बनेगा, एप्पल टाइप वो ग्रीनिश, हाँ ग्रीनिश एप्पल टाइप है, हाँ गोल्डन एप्पल, ये मेरे ना वो ये मेरे एक वो फिट हो गया था ये, तो न्यूमरोलॉजी से भी देख सकते हैं कि कौन सा कलर की कार लेनी चाहिए, ना ना उससे नहीं पता चलेगी यार, ये लिखा है तू तेंद्रासन पोछे बर्दे मैथिली जादू, ये लिखा है तू तेंद्रासन पोछे बर्दे मैथिली जादू, इसका मतलब है यू विल परचेज अ ग्रीन मेटल कार, इसका मतलब हेडिंग ही बंदे ने डाल दिया जर्नलिस्ट ने, तो उसने कहा था कि जी आप ही मांगी अगर मेरे को प्रेडिक्शन दे देंगे तो मैं छाप दूंगा पूरे पेज पे, ये मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा इज्जतदार न्यूज़पेपर है, लावांग वर्दिया, तो खरीद ली उसने ग्रीन का, मुझे क्या पता खरीद ही लेगा, हाँ मैं तो डर के बैठा था मैं दूं क्या प्रेडिक्शन, ओके ऐसी प्रेडिक्शन देनी तो इमीडिएट ठीक हो जाए, क्योंकि इमीडिएट मैं बोलूं तेरी शादी होगी पांच साल के बाद उसका कोई अर्थ नहीं है ना यार, पांच साल बाद ही फोटो छुपाई मेरी अखबार में, तो कोई इवेंट बड़ा हो ही नहीं रहा हो तो क्या, तो ये तो लग गई मतलब टुक्का लग गया, उस समय पे होती थी यार ये 2005 या 6 का है, 6 का है ये, तो ये फरवरी 2006 की मेरी प्रेडिक्शन थी, तो फरवरी की थी, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब इंडिया में उतने कलर्स नहीं थे वहां पर, बहुत होते थे स्पेन में, इसमें ग्रीन इंडिया में नहीं होती थी ग्रीन का, अब तो मिल जाती है तब नहीं ग्रीन का, और कुछ कमर्शियल होगी बस, और तो मेरा कोई खास है नहीं। अब सर वो डल्ला साहब अपना सवाल पूछो, दीदी के भी दो से सवाल है, एक मिनट मैं दीदी का सवाल कर लेता तो फिर आपके सारे सवाल, ये सवाल है सिंगल सिक्स सिंगल एट का, नाम क्या है इसका, मतलब एक सिंगल एट या सिंगल ट्वेल्व नक्षत्र सब लॉर्ड में हो, ठीक है ना, 11 सितंबर के आसपास वो होता ही होता है वैसे भी, लेकिन
ये अगर हो जैसे ना, ये देखो आप डेट ऑफ बर्थ क्या है 18 नवंबर, ठीक है। अब ये मून में सिंगल एट है, सन को नहीं करेंगे, ये मर्करी में सिंगल एट है, ठीक है। तो एक प्लैनेट से बात नहीं बनेगी, कम से कम दो प्लैनेट चाहिए। तो मून मर्करी या मर्करी मून का अगर पीरियड चला तो कोई एक बड़ा बखेड़ा हो जाएगा जिंदगी के अंदर। बड़ा बखेड़ा एज पे डिपेंड भी करेगा। अब जैसे 8 साल की बच्ची है, ये जब 8 साल की थी मून में मर्करी, 95 का बर्थ है, ये 2003 हो गया है ना, 8 साल की थी, तो उस समय पे तो मतलब क्या देखेंगे, मैरिड लाइफ है नहीं, लिटिगेशन को देखना नहीं, प्रॉपर्टी वेकअप देखना नहीं, प्रोफेशन देखना नहीं, चाइल्ड बर्थ देखना नहीं, तो वो क्या देखना, हेल्थ ही देखनी रहेगी, एजुकेशन। तो मतलब यहाँ पर जीने मरने की मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर वो गया, क्या नाम है, एज होगी 40-45-50 साल, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो एनी वन, कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसको पेनिक्रियाटाइटिस हो गया, पेनिक्रियाटाइटिस हो गया, तो ये बस बच गई भाई, कैसे बची मालूम नहीं। एक ही प्लांट में कितने प्लांट में? ये मैंने नहीं देख रहे थे, मतलब बता दो डेट। 22 सितंबर मत दिया करो, ड्राह मत दिया करो यार। 22 सितंबर 1989 एक मार्च में एक सन में, अच्छा पीरियड छोटा होता है, अच्छा वो तो पीरियड आएगा ही, काम खत्म हो। सैटर्न और सैटर्न दोस्तों, ये सैटर्न में है नहीं ना? अच्छा एक मार्च में और एक सन में, वो तो आएगा ही नहीं जिंदगी में, नहीं आएगा, काम खत्म हो गया। 2082 के बाद आएगा। अब 2082 कब तक वो जिएगी नहीं जिएगी हमें नहीं पता। काम खत्म हो जाए, जयराम जी काम खत्म, मालूम बच गया मैं। हैंडल करना मुश्किल रहता है, तो वो एक बखेड़ा हो जाता है। क्या बखेड़ा हो जाता है ये हमेशा बताना पॉसिबल नहीं है, वो तो आदमी आता है जब बताता है ये मेरी प्रॉब्लम है, तब लगता है कि आपको मुसीबत पड़ी होगी। हाँ जी सर, डल्ला साहब बताओ। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली रिलेटेड टू है कि बिजनेस के अंदर जैसे कोई किसी की क्वेरी आती है कि बिजनेस करें कि जॉब करें पहली, और जैसे बिजनेस के अंदर भी एक एक करके कहते हैं, जैसे पहला ले लूं इस बात ना। हाँ तो सर हम ये नहीं बता सकते कि बिजनेस करें कि जॉब करें। तो तीन विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री। तीनों केस में हम ये नहीं बता सकते तू ये कर या ये कर, एक मिनट में पूरी बात कर लेता हूँ कि ये बता सकते हैं कि नहीं, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ये नहीं बता सकते कि वो क्या करता होगा, बिजनेस करता होगा या जॉब करता होगा, ये नहीं बता सकते। ये बता सकते हैं तू क्या कर, तो देयर इज अ डिफरेंस। तो जिसके अगर मेजॉरिटी प्लांट अच्छे हैं तो फिर हम उसको ये बता देंगे कि भाई तू बिजनेस कर ले तो सक्सेसफुल हो जाएगा, जब से उसकी दशा के अंदर पॉजिटिव चल रही है। तो ये आपके सर सवाल का जवाब, ठीक है। और जैसे सर इसमें कई बार कोई जैसे कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, जैसे हम तो मैरिज में तो बता देते हैं कि कंपैटिबिलिटी चार चीजें हमारे पास, फॉर एग्जांपल कोई आता है कि मैं इससे ये एक्स वाई जेड बंदा है इसका, इससे मैं पार्टनरशिप करूं, ओके रहेगा नहीं रहेगा, उसके लिए क्या हमें मैं पुनीत जी बता देता हूँ। एक तो एक चीज समझ लेते हैं, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, इन तीन के अंदर हमें कोई मतलब और विद्या की कोई ऐसी लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है, हमारा इसी से काम हो जाएगा। लेकिन हो गया ट्रैवल, प्रॉपर्टी वे का परचेज, प्रोफेशन और लाइन ऑफ एजुकेशन, इसके लिए हमें कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी की जरूरत जरूर है। केमिस्ट्री मिल जाए बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें बड़ी जरूरी है केमिस्ट्री, तीनों मिक्स कर जाए और अच्छी बात, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी मिल जाए हमारा काम बन जाता है, ठीक है। ये मेरे को जरूर कहना पड़ेगा आपके पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपका क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप, तो ये तो पक्का ही फार्मूला है कि अगर मैंने पार्टनरशिप करनी है, इफ समवन हैज
पार्टनर से धोखे का कॉम्बिनेशन, काम खत्म हो गया। अगर किसी का 5 साल 12 है मेजोरिटी का, उसका भी आगे आने वाले 2, 3, 4, 5, 6 साल के अंदर 5, 7, 12 ही चल रहा है मोटा करने की बात है, तो उसने पार्टनरशिप कर ली तो पार्टनर उसका पैसा दबा के भगलेगा, क्योंकि इसके अगर 7th हाउस से घुमाए तो ये बन जाएगा 1611, ठीक है ना, बन जाएगा 11, 1, 6। तो इससे बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा 1। तो इसलिए वो नहीं करनी चाहिए, एक बात ये हो। दूसरा एक में मैं एडिशनल आया आपका सवाल लिए, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कोई आता है जिसने बंदे ने बिजनेस किया हुआ काफी टाइम से, वो कहता है मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं। अब हम उसको ये तो नहीं कहते अगर उसकी जन्म पत्री खराब है तू जॉब कर ले, क्योंकि जिसने बिजनेस एक बार 5-7 साल कर लिया चाहे लगातार भी लॉस ही कर रहा है तो भी वो अब जॉब में जाना उसके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उसका ये हो गया, जैसे आप ज्वेलरी का काम करते हैं एग्जाम्पल है, तो उसको हम ये कहेंगे भाई तू अपने पास स्टॉक मत रख, ये जैसे प्रॉपर्टी का काम करना है तो तू खुद मत खरीद, ट्रेडिंग मत, ब्रोकरशिप का, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट इधर का। दूसरा एक हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कि मैं जैसे वाइफ की औरत को बहुत अच्छी है, वाइफ हाउसवाइफ है, थोड़ा सा वो मतलब आगे बढ़ सकती है, तो और आपको जन्मपत्री वाइफ ठीक लग रही है तो उसको बोलो वाइफ के साथ मिलकर काम करो, वाइफ विल टेक द मेजर डिसीजन, यू वॉन्ट टेक द मेजर डिसीजन, वो वेला घर बैठ के थोड़ा घर बैठ जाइए, नहीं ना, ये नहीं है कि भाई पत्री खराब है तो घर बैठ जाओ, ये भी ठीक नहीं, खाली दिमाग हुआ शैतान का दर। तो वाइफ विल टेक द मेजर डिसीजन, मेजर डिसीजन से ही हमेशा जो बिजनेसेस जो है डूबते हैं, ठीक है। एक मिनट होल्ड कर, आगे सर सवाल। सर मेरा एक सवाल है। बोलो सर। सर जैसे मैं ना वहां पे बिजनेस करता था इंडिया में और अभी मैं यहाँ पे कनाडा में आके जॉब कर रहा हूँ, तो सर जरा मेरी कुंडली पे लगाएंगे आप मेरे को ना दोबारा फिर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है कि मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट तो है उस तरफ बिजनेस। हाँ तो आप मेरा जरा देखेंगे थोड़ा सा। हाँ जी अभी देखता हूँ, बताओ सर जी। अब सर हाँ बताओ सर, डेट ऑफ बर्थ 7/9/1983। और टाइम है 6:45 AM और अमृतसर वालों के तो मैं इतवार में पत्री देखता ही नहीं। एक मिनट सर, इसमें देख लेते हैं, जैसे ये हो गया केतु, एक ब्लैंड देखेगा अगर हमने 6, 10, 11, 12, 10, तो 6, 12 यहाँ आगे इकट्ठे हो गए, 10 जो है वो उसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन कुछ हद तक 10, 11 है तो पॉसिबल मार्क्स दे देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे। वीनस तो बढ़िया आई है, सन ठीक है, मून खराब नहीं है, 12, 12 ठीक है, ये बढ़िया मार्स है ना कि 6, 8 है तो 11, 11, 10, 11 मिल जाएंगे, 6, 8 फिट गया, राहु बहुत बढ़िया है, जुपिटर आपका खराब हो गया 6, 12, 8 है ना, ये मिक्स सा हो गया शनि भी ना, और ये मरकरी खराब है,
तो दो आपके खराब हो गए, मरकरी और जुपिटर। अब पीरियड देखेंगे, जैसे वीनस में शनि चल रहा है ना, तो हमारा तो यही समझ कहती है सर जी कि आप बिजनेस में घुस जाओ। वीनस मरकरी आपका दिक्कत वाला जरूर रहेगा, लेकिन मेजरली क्योंकि सारे ब्रांड आपके खराब हैं तो भुगतियां फिर इतनी ज्यादा, मतलब तंग तो आपको करेंगी, मतलब एक बार कष्ट तो देगी आपको। इस पीरियड में आपका जो फाइनेंशियल क्रंच तो रहेगा, लेकिन आप सेल थ्रू कर जाओगे क्योंकि बाकी के प्लेट आपके पॉजिटिव, तो हमारे हिसाब से तो बिजनेस आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। एक ना सर जन्म पत्री है, उसके अंदर ना सारे हाउसेस उसमें आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं सब लॉर्ड में आके, तो वो कैसे प्रेडिक्शन देंगे उस पे? आप टाइम है रात को 10 बजे 22 दिल्ली। अभी तो कोई ज्यादा नहीं है इसमें ना, कई बार तो 12 के 12 होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं केतु जो है वो पॉजिटिव है, 10, 11, 4, 4, 11। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एजुकेशन के लिए पॉजिटिव है, प्रोफेशन के लिए पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी परचेज के लिए पॉजिटिव है, ट्रैवल के लिए भी पॉजिटिव है, वापस आने के लिए भी पॉजिटिव है, हेल्थ के लिए भी पॉजिटिव है, वीडियोज भी पॉजिटिव है। अब ये सन जो है ये भी वही वीनस केतु वीनस सन, ये जो मैंने बताई है ये सभी चीजों के लिए पॉजिटिव है। मून जो है ये भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अब आपका यहाँ सवाल यहाँ है, मंगल मरकरी और जुपिटर तीन में ही है ना, यहाँ 8-12 भी आ गया, 10-11 भी आ गया, तो इसमें कैसे हमने रीड करना है कि जैसे मंगल है 5, 10, 12, 8, 12, तो अगर हम इसको प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये 12, 8, 12 की तरफ जाएगा, 10, 11 की तरफ नहीं जाएगा, तो ये मार्स नेगेटिव हो गया उल्टी, मतलब उसमें और इसमें मरकरी में भी यही हो गया कि ये 8, 12 को 6 और 12 की स्ट्रेंथ है ऊपर तो ये भी प्रोफेशनल के लिए तंग करेगा। ये भी नीचे 6 और 8 आ गए, ये भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मार्स राहु जुपिटर शनि, मार्स जुपिटर शनि, मार्स जुपिटर मरकरी, ये एक तो एग्रेशन 7 और 12, दूसरा प्रोफेशन में दिक्कत, ठीक है, एंग्जाइटी, ये सब बता रहा है उसके लिए नेगेटिव है। और यहाँ पर जो राहु के अंदर जो है, ये राहु नेगेटिव नहीं है, ये 8-12 ऊपर तो है, एंग्जाइटी तो देगा लेकिन अल्टीमेटली द थिंग्स आर फाइन, क्योंकि ये 8 को 8-12 की स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन 11 आ गया तो वो 8-12 को नलीफाई कर देगा, ये इसको इस तरह से ही पढ़ना है। तो अब जैसे समझ लो मंगल की दिशा चली, तो मंगल में जुपिटर, मंगल में मरकरी, मंगल में इवन सैचन भी तंग करेगा, सैचन तंग करेगा, बाकी ये तो नेगेटिव है क्योंकि 8-12 और बीच में 10 है, तो 10 उसको मतलब संभाल लेगा, लेकिन तंग तो करेगा क्योंकि जब जब ही अंतरे इनके आ जाएंगे क्योंकि दशा नेगेटिव है। बट हम ये कहें कि वीनस में मार्स तंग करा होगा, वो ऐसा नहीं है, या सन में तंग करेगा, करेगा तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वैसे भी पीरियड छोटा है, तो यही है बाकी। सर सैटर्न ये 5, 8, 12 वो अलग चीज होगी, वो हमारा हो गया कि क्या नाम है कि लव अफेयर, या जैसे 5, 8, 12 प्रोफेशन में तंग करें तो हम ये वो तो हम मतलब 5 को मैंने वैसे कंसिडर नहीं किया, मेन तो 8-12 ने काम करना था, तो वो चाहे 5, 8, 12 मान लो तो 8-12 काम तो 8-12 ही कर लिया ना, इसलिए मैंने 8-12 बोला बस। ये सर 10-11 भी तो जॉब तो नहीं जाएगी ना, 8-12 भी और 10-11 भी वो रजत चली जाएगी ना, इनकेस वो जैसे ये मार्स है तो मार्स में ये 10-11 इनइफेक्टिव हो जाएंगे। वीनस में मार्स नहीं, सन में मार्स नहीं, अगर जुपिटर में मार्स है तब तो दोनों मिलेंगे ऐसे। हाँ जी डल्ला साहब आपके स्वागत। फिर वो पार्टनरशिप में 5, 7, 12 में धोखा होगा, फिर फायदा किसको होगा, मतलब पार्टनरशिप किसको करनी चाहिए? बाकी होगा आपको तो होगा, बाकी तो होगा जिसका 5, 7, 12 है उसको नहीं करनी, बस 5, 8, 12 वाला कर ले।
5-8-12 जिसका है ठीक है उसकी तो वैसे जिंदगी झंडा है वो तो सॉरी मैंने बताया ऐसे वाले बंदे को वाइफ के साथ कर लेना है भाई के साथ कर लेना है बेटा बड़ा हो गया तो उसको बिठा लेना है तो यही रास्ते हैं और तो कोई रास्ता नहीं है क्योंकि नुकसान तो नहीं उसको तो हर जगह धोखा ही मिलना। हाँ जी प्लीज सर एक चीज और पूछूं जैसे अब कई लोगों के जैसे अब होता पर्सनल डेट हो जाती है ऐसे कोई कहता है कि मैंने ये लोन लेना लूं कि नहीं लूं दे पाऊंगा सर ऊंचा बोलो सर अभी आ रही है आवाज हेलो हाँ जी सर मैं कह रहा हूँ जैसे अब जैसे अभी डेट के बारे में बताया कि 6,000 जैसे वो तो डेट आप लेके प्रॉपर्टी ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल कोई आता है कि मैं XYZ लोन लेना चाहता हूँ मेरे को बिजनेस के लिए क्या ले लूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आने वाले टाइम लोन लेने के कई लोगों का आज ऐसा हो रहा है जो लोग लोन ले रहे हैं और डूब रहे हैं तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था मेरा कि डेट किसको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सर भैया ना आगे का पीरियड जिनका ठीक है वो ले लें जिनके आगे के पीरियड ठीक नहीं है वो मत लें ऐसा कुछ नहीं सर जैसे 6 के साथ कोई हाउस अगर 6-12 हो जाए तो मना कर नहीं वही एक ही बात होगी ना सर 6 के साथ अगर 12 और 8 है वो 10-11 को डिफीट कर रहे हैं तो हमने नहीं लेना ना 6, 8, 10, 11, 12 इधर उसके पास 10 है और 6, 8, 12 में से कुछ नहीं है तो ले ले सिंपल नहीं तो पहुंचा और बताओ ऊपर दो के बारे में पूछना क्या समझा नहीं व्हीकल के बारे में व्हीकल के बारे में बताओ आई वांट टू नो भाई अपने को एज पर माय चार्ट व्हीकल न्यू व्हीकल ओल्ड व्हीकल क्या है सर बताया था ना 4, 11, 12 विनस हाँ तो वही आप मेरा एक बार वो चार्ट समझने का था आप अपने और उसको की बात हाँ मैं अपने की बात कर रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन एक और हाँ उसके बाद बोलिए आराम से सर जैसे छोटा सा क्वेश्चन है एक है जब हमने प्रोफेशन किया था तो वी टॉक्ड अबाउट कि IAS और इन जॉब्स के लिए आर्मी के लिए किया जैसे कई लोग होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट कितनी तरह की नौकरी होती है सरकारी उनमें भी वो अप्लाई करते हैं या फॉर एग्जाम्पल बैठते हैं तो उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन देखा जैसे छोटी जो स्टेट लेवल पे नौकरी होती है हाँ हाँ सर वो ने हमने कह दिया 10, 11, 6, 11 दैट वो हो गई टॉप मोस्ट यहाँ 11 नहीं है उनको हम बोलेंगे यार थोड़ा तू बैंक की देख ले स्टेट लेवल की देख ले सिर्फ 10 है और नीचे आ गया सिर्फ 2-6 है और नीचे आ गया दशा में 10-11 है भुक्ति अंतरे में नहीं है उसमें 6-6, 10-10, 7-7, 2-2 नजर आ रहे हैं फिर IAS क्रैक नहीं होगा ना तो हम उसको क्लियर कट 10-11, 6-11 तो उसी को बोलेंगे हम कि भाई तू IAS का बाकी दूसरी भी देख ले अब उसमें 4-5-6 टीयर्स तक की होंगी एक होगी अपनी ये टॉप क्लास UPSC होगी फिर स्टेट लेवल होगी फिर उसके नीचे होती होगी फिर क्लरिकल ग्रेड होती होगी फिर और नीचे होती होगी जैसे बैंक पी हो गया 2-6-7-11 2 हो गया 2-11 तो बैंकिंग हां 10-11 नहीं हुआ साथ में हमें 6-7 हां उसमें वो 6-11 10-11 इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे 2-11 ज्यादा होंगे तो उस तरफ निकल लेंगे ठीक है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे पता चल सकती है मरकरी जुपिटर इनका पीरियड जब चलेगा मल्टीपल सोर्स है और बताओ पुनीत बस सर यही था अभी और आपने एक बोला स्पोर्ट्स पर्सन का हाँ स्पोर्ट्स नहीं हुआ हाँ जी ये पूरा जवाब एस्ट्रोलॉजी वैसे दिया नहीं जा सकता बाकी वैसे हमारा 5-10 ठीक है प्लस सब इसका 9-11 भी होगा वो भी बढ़िया है साथ में दिस इज स्पोर्ट्स पर्सन ये कौन सा वाला स्पोर्ट्स पर्सन है जो हड्डियों पे ज्यादा उसका असर वो है स्विमिंग रनिंग फुटबॉल ठीक है एक चीज इसमें एडिशनल आएगी इसके अंदर
ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर। और पुणे जी ये ना जो सन होता है ना या प्लेनेट जो होते हैं उनके असर जो है एस्ट्रोलॉजी में समझ नहीं आते कभी उतने, वो समझ में आते हैं न्यूमरोलॉजी में और पोलिस्ट्री में। ये उंगली दे लेना सर स्पोर्ट्स का आदमी, ये लंबी होनी चाहिए, मेरी लंबी नहीं है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। आजकल के क्रिकेटर्स हैं वो उनकी भी फिटनेस अच्छी है, वो पहले बेदी शेदी होते थे वो बेकार थे, उनकी फिटनेस अच्छी नहीं होती। क्या नाम है इसका कोहली, कौन सा विराट कोहली। लंबी किससे, फर्स्ट फिंगर से लंबी होनी चाहिए। मैं बता रिंग फिंगर, मैं बता रिंग फिंगर लंबी होगी, किससे लंबी होगी बताया तो वो होगी फर्स्ट फिंगर से, फर्स्ट फिंगर से इंडेक्स से देखिए लंबी है सर, लंबी है सर, अप्रिशिएबल लंबी होगी, मेरी लंबी है अप्रिशिएबल लंबी नहीं। ये देखो ये भी नजर आ रही है लंबी, ये तो क्लियर कट लंबी नजर आ रही है, ठीक है सर। हम जो है मतलब ऐसा मेरा मानना है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा कमाना चाहते हैं तो उन्हीं लोगों को कहेंगे ज्यादा ज्यादा कमाने के लिए जिनके पैसे की कम्बिनेशन ज्यादा हो, जिनके पैसे की कम्बिनेशन कम होंगे हम उनको रहने दो यार मत कमाओ, ठीक है। तो वो सारे कंसल्टेंसी में चले जाएंगे कि भाई चाहे प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी दे लो, ज्योतिष की दे लो, या मुझे आर्किटेक्ट होता है, लॉयर होता है, सीए है, डॉक्टर है, ये सारे वही कर, ठीक है ना। अब ये उतना ही पैसा कमा लेते हैं, दे कैन गो अप टू अपर मिडिल क्लास, रिच की कैटेगरी में नहीं आ सकता, मल्टी मिलियनर होना बड़ा मुश्किल है। वो कोई कोई डॉक्टर हो सकता है, जैसे वो एम से क्या मेदांता मेडिसिटी मेदांता, वो भी पैसा तो उनका लगा हुआ है ना, क्या नाम है ये कौन है ताऊ 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 के बच्चों का लगा हुआ है ना, ताऊ हरियाणा के ताऊ के बच्चों देवीलाल के बच्चे, देवीलाल का लगा हुआ है ना, उसका भाई का कौन सा लगा हुआ, लेकिन स्टिल यू कैन कंसीडर हिम रिच। त्रेहान, त्रेहान का वैसे जो है थ्री, इसकी सुनते हैं लोग, इसकी सुनते हैं लोग, वेदांत का शायद होगा या डेट ऑफ बर्थ है सर 22 नवंबर 85 है मेरा। हाँ नहीं, और डेस्टिनी 2 आता है। लेकिन बुद्धू है ये, टी शर्ट के ऊपर वो पहनता है, अकल की बात है, वो गेरुए गुरुए पहन के बैठा करना, अभी देख तू क्या कर रहा है, तूने टी शर्ट के ऊपर पहन रखे हैं, वो फिर बात नहीं आती ना यार, आधी बात कर करता तू यार, हाँ नहीं फिर कर ना, फिर वो लगा और फिर वो गेरुआ वाला पहन। अच्छा इसमें ना ये नहीं गेरुआ वाला मत पहन, वो गेरुआ वाला ना YouTube भी डिस्करेज करती है, ये भी कॉमनल है ना ये YouTube वगैरह भी, तो ये दे डोंट लाइक कि कोई गेरुआ पहना, ग्रीन के लिए को वो जो है वो करती है। हाँ जी सर और क्या कह रहे थे, कोई सवाल। हाँ मेरा था सर व्हीकल का, ना वो तो परसों कर लूंगा ना। ज्योतिष की बात करें तो कैंसर असेंडेंट हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियो पाइसेस खासकर कैंसर, अभी दूसरों की सुनेगा रोता फिरेगा, उसका 2168 भी हो तो मुसीबत, तो ये ना हो तो अच्छा है, बाकी तो कोई भी कर ले सर, उसमें पैसा आना ही है जाना तो है। साथ में जैसे थ्री है किसी का तो उसकी लोग ज्यादा जैसे सुने, टू तो फिर टू का तो है ना, जैसे तेरे बड़े सारे हैं ट्रिपल टू है ना, तो ये तेरे को कोई सुनता नहीं है, तेरे चेहरे को देख के मोहित हो जाता नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, अभी तो देख ले मतलब वैसे मतलब
मतलब वही